असम जिब्रान भाई क्या हाल है आपका उम्मीद है खैरियत से होंगे वालेकुम वाईकुम आप बहुत थके हुए लग रहे हैं मैं हूँ उस वक्त नॉट इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स बट वैसे अगर आप देख दें फिजिकली बिट वोन डाउन थोड़ा सा हो जाता है कैंपेन ट्रेल में आपको अक्सर वीडियोज़ वगैरह में देखते रहते हैं तो मीटिंग यू क्या कहते हैं इज इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली बिकॉज लाहौर में बेस्ड हमें कराची की जो सियासत का बताया जाता है वो तस्वीर बड़ी डिफरेंट होती है तो किसी ऐसे बंदे से मिलना जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है पहले तो ये तकरीबन अनहर्ड ऑफ है अनलैस कोई आपकी जागीर है पीछे जिसके आप जागीरदार निज़ाम के इंचार्ज हों होती तो बहुत आसानियाँ पैदा हो जाती बट अगर नहीं है तो उसके बारे में हम कम्प्लेंट तो नहीं कर सकते बेशक ये एटीट्यूड आपका काफ़ी इंटरव्यूज़ में और आपके जनरल कॉन्वर्सेशन में बहुत आता है कि सॉर्ट ऑफ एक बिग सिटी गो गेटर माइंड है आपका कि अगर एक प्रॉब्लम है तो ख़ुद सॉल्व करना है किसी भी रिलाई करना है एक जुमला आपके एक रिसेंट इंटरव्यू से मैंने देखा था कि मैं सिर्फ़ एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता हूँ आपने कहा कि बड़े अज़ाइम छोड़े पहले हम अपने घर के आगे पीछे तो ठीक कर लें फिर हम ठीक करेंगे आपके नज़दीक मॉडल कंस्टिट्यूंसी होती क्या देखिए जी मेरे नज़दीक सियासत जो है बुनियादी तौर पे एक मकसद के लिए की जा रही है रिप्रेजेंटेशन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती डेमोक्रेसी जमहूरीत का बुनियादी हसूल ही है नुमाइंद वरना तो आप मनारक चला लें या डिक्टेटरशिप चला लें या कोई भी और सिस्टम चला लें हाइब्रिड चला लें तो जब रिप्रेजेंटेशन है तो फिर रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि जी किस किस्म की रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपको अवाम ने वोट कर दिया सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन या याम से आप हर वक्त जुड़े हुए हैं आवाम आपको रियल टाइम पाँच साल में रोज़ हर घंटे क्या फ़ील कर रही है ये बता रही है ताकि आप रोज़ गुजरते वक्त के साथ बतौर उनके रिप्रेजेंटेटिव जब इवॉल्व करें अपना सियासी एजेंडा और सियासी मंशूद बिकॉज पाँच साल बड़ा अर्सा होता है एक मुल्क के और तौर पर एक हल्के की तारीख़ में तो वो रियल टाइम रिप्रजेंटेशन टाइ कैसे हो और अगर वो रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन मुमकिन हो जाए और साथ में एक्सेसिबिलिटी चूँकि जब हमारी आबादी अब उस तरह की नहीं रही कि कुछ हज़ार लोगों का हल्का होता था अब कुछ लाख लोगों का हल्का होता है तो ये तो मुमकिन नहीं है अगर मैं एक ही स्पॉट के ऊपर भी बैठ जाऊँ 24 घंटे और मैं बोलूँ कि जी मैं तीन दिन 24 घंटे यहाँ बैठा बैठाऊँ हल्के का बंदा बारी बारी आके मुझसे मुलाकात करता रहे तो पहली तो बात यह है कि हल्के के तमाम लोग एक से वसायल नहीं रखते ना कोई मर्सडीज़ में आ जाएगा मिलने के लिए किसी बेचारे को पैदल सफ़र करना पड़ेगा किसी को कमर में तकलीफ़ भी हो सकती है किसी के पर्दे के या चर चार दीवारी के इशूज़ भी हो सकते हैं कोई छोटा है तो उसके घर में हो सकता है कोई बड़ा ना उसकी मदद करने के लिए तो उससे भी काम नहीं होगा और अगर हम वो फैसिलिटी दे भी दें तब भी आप मुझे बताएं मेरे हलके में सिर्फ सुबाई हलके में तीन लाख पंद्रह हज़ार छः सौ पचपन रजिस्टर्ड वोटर है ठीक है ये एन ए के नोयत का हल्का है ऐसे ही प्रॉपर इसको आप पी एस कह रहे हैं और इसमें फिर अनरजिस्टर्ड वोटर मिला के और रजिस्टर्ड वोटर्स की उला दें और वो जो यहाँ पे वैसे ही रहते हैं मगर उनका वोट रजिस्टर ना हो सका हम दस लाख के करीब की आबादी की बात कर रहे हैं की बात की बात की बात और मैं सेंसिस को वैसे ही चैलेंज करता हूँ बिकॉज मुझे बताया गया है सेंसिस के अंदर कि पिछले पाँच साल में वो डी एच ए जो रिक्लेम करे जा रहा है लैंड समंदर से चीर चीर के समंदर को घर बनाया जा रहा है फ्लैट्स बनाया जा रहा है पिछले पाँच साल में उस डी की आबादी पचास हज़ार कम हो गई वो पचास हज़ार आबादी कम नहीं हुई आपने वहाँ का वोटर उठा के पूरे कराची में अलग अलग जगह बांट दिया बिकॉज कुछ और पार्टियाँ चाहती थी कि वो इसको अपना हल्का बनाए तो ये तो एक मैसिव लेवल की प्री पोल रिगिंग कुछ महीनों पहले हो चुकी इस हल्के के साथ और बदनसीबी हमारी कि वो लोग जो है दो में डिफेंस और क्लिफ्टन में वोट डाल रहे थे अब उनके पोलिंग सेशन जो हैं वो सदर मलिर लियारी यहाँ चले गए हैं वेरी अनफॉर्चुनेट और जैसे ऐसे इलेक्शन के करीब लोग सर्च करेंगे मैंने ये दो बातें आपसे कहीं रियल टाइम रिप्रेजेंटेशन एंड रियल टाइम एक्सेबिलिटी अगर ये आप यकी बना के दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ जा रहे हैं इसलिए हमने जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी का मंशूर रखा है वो एक हल्के की बेस के ऊपर हल्के की बुनियाद के ऊपर एक ऐप जो कि एम पी ए खुद रन करेगा जिसको फ्री के अंदर तमाम तर लोग डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप भी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान के हर मोहल्ले का सलूशन है बट मेरे इलाक़े में जहाँ मुझे पता है कि इकनॉमिक स्टैंडिंग्स क्या हैं गरीब से गरीब तर की और अमीर से अमीर तक की कि मोबाइल हर एक के पास है तो और डेटा भी हर एक के पास आ रहा है तो घर बैठे अगर उनको रसाई है कि घर बैठे ख़वात को घर के मर्द के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है वो वहीं से बैठ के अपनी कंपेन अपने एम तक पहुँचा सकती हैं अगर आठ नौ दस साल के लड़के तीन तीन चार चार लाख टिकट पर फॉलोअर्स हैं उनके तो उनको अम्मी अबू की क्या ज़रूरत है गली मोहल्ले के मिसाइल रेस करने के लिए क्या वो अपने एम से मुखातब नहीं हो सकते अगर वो चार लाख की फॉलोइंग रख सकते हैं टिक टाक पर तो मेरे बुज़ुर्ग जो चलने फिरने से कासर हैं वो क्यों किसी सहारे का या मोहताजी का किस्म में जाएँ कि जी कोई आएगा तो लेके जाएगा मेरा मसला एम के पास तो एक डिजिटल ऐप जो कि हल्के की बेस के ऊपर है जिससे 24 घंटे तमाम तर लोग रसाई हासिल कर सकें एक्सेसबिलिटी हो और जो भी उनके इश्यूज आ रहे हैं वो जब एम पी ओ को पता चलेगा तो एम पी उनकी नुमाइंदगी कर सके मुतल महकमों के हवाले से कि अगर पानी का मसला है कहीं बिजली का मसला है कहीं गैस का मसला है कहीं थाने का मसला है कहीं तशद के वाक़ हैं कहीं कोई इलीगल एक्टिविटीज़ या ऐसे अनासर सरगर्म हल्के में हो रहे हैं कहीं कोई स्कूल ख़स्ता हाल हो गया है कहीं किसी खेल के मैदान के ऊपर दोबारा से कचरा कुंडी बनाई जा रही है ये तमाम तर इशूज़ आपको अगर रियल टाइम डेटा में मिल रहे होंगे तो ना सिर्फ ये कि आप उन आवाम का मुकदमा उन महकमों के सामने जाके लड़ सकेंगे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐप हमारी होगी हमारी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको डेटा मिल रहा होगा उन इदारों की परफॉर्मेंस का भी कि भाई अगर मेरे तीन लाख पंद्रह हज़ार के हलके में जिसमें अट्ठारह के करीब कॉलोनीज़ हैं नौ के करीब क्लिफ्टन के ब्लॉक्स हैं आठ के करीब डिफेंस के फेसिज हैं और फिर बात आइलैंड का इलाका है इसमें कौन सा वो इलाका है वो कौन सी पट्टी है जहां पर सीवरेज की शिकायत है हर घर से तो एक डेवलप हो रहा है ना कि इस इदारे को लेके कि जी आप यहां पे गाफिल हैं या इन आठ नौ थानों में जो मेरे हल्के के अंदर आते हैं वो कौन सा एक थाना है जिससे शिकायत है कि जी रोज रात को जहाँ से गाड़ी गुजरती है कोई भत्ता लेते हैं या बगैर एफ के लड़कों को उठा लेते हैं तो उस थाना के खिलाफ ओवर पीड़ियड फोर फाइव मंथ जो है एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो जब आप डेटा के ऊपर जाएंगे हम भी इस वक्त डिजिटल पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं तो और मुझे भी बताइए मैपिंग हो जाए मैपिंग हो जाए अभी आप पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि जी हाफ़िज़ रहमान साहब और आ, कराची का एक बड़ा नाम है अब हाफिज़ नईम साहब को लेने कराची से वो उस वक्त एन ए का इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी एन ए लड़ रहा है उससे सिर्फ इतना सवाल करें आपको इसे कैसे मालूम होगा कि आपके हल्के के अंदर कितने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप ये बात कर रहे हैं जब उनका इंटरव्यू हम ले रहे थे उनकी टीम साथ ही वो कहते हैं हमारे पास अभी तक ऑफिशियल ही नहीं आई हल्के बट मैं तो बहुत आगे की बात कर रही मगर मैं बगे बहुत आगे की बात नहीं है ना पता होना चाहिए ना एम को कि मेरे हल्के में कितने डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनमें से कितने जो ये इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते कितने कार्डियोलॉजी के पेशेंट हैं कितने ऑनकोलॉजी के पेशेंट हैं चूंकि देखिए हुकूमत का जो फंड है वो हुकूमत का फंड है इंटरवेंशन जो है ना हमारे यहाँ वेलफेयर का काम फ्रॉम फूड बैंक आप जे को देख लें सैलानी को देख लें या फ्रॉम हॉस्पिटल्स आप पेशेंट इट फाउंडेशन कराची में देख लें एस देख लीजिए इंडस अस्पताल देख लीजिए या इंटरेस्ट फ्री लोन्स तो आप अखूत की तरफ़ देखते हैं कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल वेलफेयर का पाकिस्तान में खड़ा हुआ है मैं अगर इन इारों के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई मेरे इलाके के अंदर आइए एम कीजिए पार्टनरशिप कीजिए इंटरवेंशन कीजिए तो कितना अच्छा हो कि उनका जो इतनी मेहनत से खराज सदक़ का मोतबर होता है खराज सदक़ का पैसा जो कि फिर आपकी ज़िम्मेदारी की मुस्तक की निशानदेही करें तो मैं तो मुस्तक की निशानदी यहाँ से करूँगा ना जब मुझे पता चलेगा कि मेरे इतने बड़े इलाके में जो इतने किलोमीटर्स पे फैला हुआ है किस गली मोहल्ले में सबसे ज़्यादा एक मखसूस बीमारी के पेशेंट है तो मोबाइल अगर मुझे कोई क्लिनिक रोल आउट करना है या मुझे कोई हेल्थ कैंप करना है उस बीमारी के एक्सपर्ट्स को लेके या मुस्तकिल बुनियादों पे लो कॉस्ट क्लिनिक बनाना है वो गैस्ट्रो का हो वो कार्डियो का हो वो उनकोलॉजी का हो वो एंडोकोलॉजी का हो तो वो किधर बनेगा या मुझे अगर ज, 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 फूड बैंक्स बनाने हैं तो सबसे ज्यादा फूड बैंक्स की जरूरत होती है डेली वेज अर्नर्स को डेली वेज अर्नर्स अक्सर माइग्रेंट भी होते हैं शहर के अंदर वहां वो के वोटर भी नहीं होते बट मैं तो एमपी हर उस इंसान का जो मेरे हल्के में रिहायशी होगा ना अगर मैं इलेक्ट हुआ भी ऐसे ही है तो मुझे वो इंटरवेंशन वहां करनी है जो देखिए फीता आप कहीं भी काट सकते हैं सोशल मीडिया को उससे गर्ज नहीं होता कि ये जो आपने फीता काटा ये लोकेशन क्या है वो तो कहते हो गुड वर्क बीइंग डन बट अगर आप मॉडल हल्के की बात कर रहे हैं तो फिर मॉडल हल्का वो है जहाँ मैक्सिमम आपने जहाँ नीड है वो आइडेंटिफाई की और वहाँ पे आपने फोकस पेनिट्रेशन की इंटरवेंशन की ताकि चीज़ें बन सकें तो इस ख्याल को लेके कि एक डिजिटली कनेक्टेड हल्का और फिर इसके साथ अगर ये इनशाला ऐप रोल आउट होती है तो दे आर मल्टीपल पार्टनरशिप्स यू कैन डू बिकॉज देखिए डिजिटाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ ग्लोबल एजेंडा एज वेल आपको इसमें बड़े इंटरनेशनल पार्टनर्स मिलेंगे हम इसके अंदर अगर ये ऐप रोल आउट करते हैं वी इंटेंड टू रीच आउट टेलकोज एज वेल भाई अगर हमारी टेलकोज बगैर डेटा के हमें फेसबुक देती हैं तो बगैर डेटा के कि वो किसी और प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो भी आसानी लोगों को मिल जाए दूसरा एक, लोगों की आसानी का प्लेटफॉर्म है कोई सेल्फ प्लेजर का प्लेटफॉर्म नहीं है या ग्रेटिफिकेशन का नहीं है लेकिन इससे एक सवाल उठता है पाकिस्तान जैसे स्टेट के अंदर जहाँ पे स्टेट के पास पहली इतनी पावर होती है जब हम इतनी लोकलाइज मैपिंग करेंगे तो ये तो ख़तरे की अलामत है बस कि सरकार को इतना बड़ा बना देना और आपके घर के अंदर इतना घुसा देना जहाँ पे सरकार ऑलरेडी इतना डैमेज कर रही है नहीं सरकार तो देखिए डैमेज ये कर रही है कि सरकार को जो बात बुरी लगती है सरकार के हवाले से ठीक है और मखसूस चीज़ों को लेके आप बोलते रहे रोज़ मेरा गटर के ढक्कन चोरी हो गया सरकार को इंटरेस्ट नहीं तो है उसकी दिक्कत नहीं।, उसकी, दिक्कत नहीं। उसकी दिक्कत नहीं है मगर आप बोलेंगे कि जी रात को तीन लोग वजह आए थे शादी वर्दी में या सिविल वर्दी के अंदर या पुलिस की वर्दी में लोग मेरे अब्बू को उठा के ले गए और वो अगवा हो गए जबरी गुमशुदगी में तो सरकार को आप में इंटरेस्ट है ठीक है तो इंटरेस्ट सरकार को तमाम तर इंटरेस्ट में जो इंसानी हकूक के हैं और ख़ासतौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है वो इंटरेस्ट दिलाना तो एम पी ए का ही काम है हम अपनी ऐप के अंदर ये जो मैंने सारी बात आपसे डिजिटली कनेक्टेड की इस प्रोजेक्ट का नाम फिलहाल आवाम की ऐप है हमारी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ही इसका एक वर्जन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए ताकि okay. आप डाउनलोड कर सकें इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी वगैरह ऑफ कोर्स वो फंक्शनस खुलेंगे आपके पास इन केस वी गेट इलेक्टेड बिकॉज हमारे पास एक पॉलिटिकल ऑफिस होगा उसे आपको सपोर्ट करने के लिए बैक करने के जाएदे. लिए बट बजाय इसके कि जी मैं जीता तो ये फिर एक ऐप बनेगी तो कोडिंग होगी तो कुछ सामने आएगा हम उससे पहले शायद वाहिद ही होंगे जो अपने मंशूर का एक फील आपको आपके मोबाइल पर रसाई दे देंगे कि जी ये चीज़ हो सकती है अब मसला ये कि द रीज़न नो अदर बिग पार्टी विल गो टूवर्ड्स दिस क्योंकि मैंने एक्सेसिबिलिटी की तो बात आपसे की और मैंने रिप्रेजेंटेशन की तो बात आपसे की बट जो बात जो लोग जिससे भागते हैं वो अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एहत है आप मेरी ऐप पे गए एक पब्लिक डैशबोर्ड भी होगा एक हमारा इंटरनल डैशबोर्ड होगा पब्लिक डैशबोर्ड पे आपको आ जाएगा जब से ऐप लॉन्च हुई है कितने यूजर्स हैं कितनी शिकायतें हैं कितनी प्रोसेस हुई कितनी रिजॉल्व हुई कितनी बाउंस हो गई कितनी को देखा ही नहीं गया एक डिजिटल ऑडिट रियल टाइम आपको मिल रहा है हर तीन महीने बाद चेक करो जोराना कहाँ खड़ा हुआ है हल्के में क्या कर रहा है वरना तो देखिए ना इलेक्शन में क्या होता है परफॉर्मेंस सर्वे नहीं होते इलेक्शन के माहौल में अनफॉर्चुनेटली इमोशनल सर्वे होते हैं आप लाहौर से हैं हर एक को पता है माजरत के साथ पी टी आई के ने उस उस्मान गुजार साहब ने ऐसी तैसी फिर दी पंजाब की पंजाब उस स्पीड से जैसे चल रहा था मैनेज हो रहा था शहबाज शरीफ साहब के दौर में उस तरह से उस्मान, उस्मान साहब के दौर में नहीं हुआ कोई शक नहीं है मगर आज अगर आप लाहौर की गली में खड़े होंगे तो बोलेंगे वोट किसका तो कहते जी खान का हाँ जी तो वो एक इमोशनल सर्वे है वो परफॉर्मेंस सर्वे नहीं है क्योंकि एक माहौल बनता है लीडिंग टू दी इलेक्शन हमेशा ऐसी ठीक है अब हम अक्सर कह रहे होते हैं यार कि हम जब कोई बड़ी इंटरवेंशन कर रहे होते हैं कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं उस माहौल में अगर इलेक्शन हो जाए तो हमें बड़ा फायदा हो जाएगा क्योंकि <laughs> लोगों की मेमोरीज भी ऐसी होती है ना बार बार याद कराना होता है तो इलेक्शन में ये भी लग भी काफी बुरा रहा होता है बार बार गया कह फँ चीज हुई थी हमने की थी नहीं, तो बात पहले बारी मुझे बुरा लगता था बट अब मैं कहता हूँ कि जी क्यों नहीं मुझे बताइए कि ये वॉलेंटरी वर्क है ना और सियासत भी वॉलेंटरी वर्क है हम जब एक अच्छा काम कर चुके हैं हमारी जब एक परफॉर्मेंस है हम जब रातों को जागे हैं हमने जब रिस्क लिए हैं हम जब क़र्ज़ों में गए हैं अवाम की खिदमत के लिए तो हम क्यों ना बताएं हमारी और सी है क्या देखिए मैं तो कहीं खड़ा होकर किसी इतना नहीं कह सकता ओ जी मैं ख़ान का सलाम लाया हूँ ओ जी मैं मियाँ साहब का सलाम लाया हूँ ओ जी मैं भुट्टो का जला हूँ मुझे अपनी सी देनी है क्योंकि मेरे वालद कोई सियासत के अंदर या कोई बड़े सरमायादार या कोई बड़े जागीरदार या कोई बड़े रूहानी पीर नहीं है मैं जो हूँ मेरी क्रेडिबिलिटी मेरी परफॉर्मेंस है तो मुझे बताना पड़ता है अपने हल्के की आवाम को कि पिछले पाँच साल कोई अगर आप देखें जब कोविड लॉकडाउन लगा जितने इस वक्त एन ए पी एस मिला के बैलेट पर कैंडिडेट्स हैं उन सबसे ज़्यादा हमने इंटरवेंशन की लॉकडाउन के अंदर साढ़े पाँच हज़ार ख़ानदान सिर्फ मैंने अपने हल्के के अंदर ना सिर्फ कवर किए बल्कि कराची रिलीफ ट्रस्ट ने एक ऐप बनाई थी जो सिंध हुकूमत ने अडॉप्ट की उस ऐप के जरिए तमाम तर लोगों को उनके घर के एड्रेस के साथ रजिस्टर किया ताकि दो हफ्ते बाद दोबारा जाके जाकर राइडर्स उनको राशन घर के जल्द पर दे सके जो कि हमने दिया किसी ने इस तरह की इंटरवेंशन नहीं की जब हमारे यहाँ दो में अर्बन फ्लडिंग हुई और मेरे बड़े कमर्शल हब्स मेरे हल्के के बुखारी कमर्शल एक मैसिव कमर्शल हब है डूब गया हम इतने इतने पानी में कमर तक और टखनों तक और कमर तक और घुटनों तक कहीं पे खड़े रहे और सौ टैंकर ला के हमने पानी निकालना शुरू किया उस वक्त तक जब तक कि हमारे मुंसिपल कॉरपोरेशन जो कि सी बी सी है उसको शर्म नहीं आ गई और फिर उसने आके जो है मिलिट्री से कह के और वो भी आप देखिए कि आर्मी आई तो वो मशीन तो बड़ी लेके आ गए टैंकर उन्होंने मुझसे मांगे और मैंने उनको भी टैंकर दिए आर्मी ने आपसे टैंकर जी और मैंने उनको टैंकर दिए कि जी आप मशीन चला लीजिए टैंकर चला लीजिए जो कि सौ टैंकर हम लेके आए हुए थे और उस चक्कर के अंदर जो कि मैंने कमिट किया था कि मैं काम करूंगा तो देखिए लोगों का इंटरेस्ट कुछ ऐसे तक होता है पहले दिन डोनेशन आए दो तीन दिन चार दिन तक डोनेशन आए वो कैंपेन ग्यारह दिन चली आखिर के तीन दिन कोई डोनेशन नहीं था मगर हमने का पानी अभी भी टकनों से ऊपर है हम नीचे करके जाएंगे हम सेल्फ लाइबिलिटी में गए बिकॉज आपने कमिटमेंट की हुई है ना तो यू हैव टू गेट इट डन हमने वो किया हमने अभी तक पिछले पाँच साल के अंदर अरेंज किया मगर हल्के की तारीख का सबसे बड़ा सबसे वेल ऑर्गेनाइज सबसे ग्रैंड फुटबॉल टूर्नामेंट बिकॉज मेरे हल्के की जो स्पोर्ट्स है अगर मैं अपने हल्के की बात करूँ वो क्रिकेट नहीं है अगर आप जेनली बात करें अगर आप कॉलोनीज में जाएं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रुझान है फुटबॉल का कराची साउथ वैसी गढ़ है फुटबॉल का और कराची साउथ भी और कराची वेस्ट भी मेरे सिर्फ गिजरी के और जेली और पंजाब कॉलोनी के मोहल्ले में नौ कदीमी फ़ुटबॉल क्लब निकलते हैं हज़ारा कॉलोनी से दो तीन क्लब्स निकलते हैं श्री जना से क्लब्स निकलते हैं हिजरत कॉलोनी की अपनी फुटबॉल टीम है हमने बत्तीस टीमों का फुटबॉल टूर्नामेंट कराया क्लब लेवल टीमों का

ये एम पी एम एन ए का तो काम होता नहीं लेकिन हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स उस तरह एग्जिस नहीं करती या उनको बनाया नहीं जाता अगर हम एक आइडियल एम पी एम एन ए सोच रहे होते हैं तो वो कानून साजी के हवाले से होता नहीं, है नहीं मैं इससे थोड़ा डिसग्री करता हूँ देखिए दो महीने में अगर सिंध असम्बली का सेशन पाँच दिन है ठीक है और दो दो महीने करके आपने कर लिए छ गए तो पाँच दिन करके तीस दिन हो गए अब हर पाँच दिन के अंदर जो कि सारी असेंबली बैठी मैं तो एक घंटा ही बोलूंगा ना तो इस तरह कि अगर छः सेशन हुए तो मैंने छः घंटे बोला पूरा साल असेंबली में मुझे उन छः घंटों के लिए एलर्ट किया जा रहा है मुझे एलर्ट किया माता की बात काट हाँ। उसमें एक इशू है उसकी वजह यह है कि उससे थोड़े दिन इसलिए होता है कि बाकी टाइम वो अपने हल्के में पैसे फंड्स लगा रहे होते हैं जब हमारे लेशन बहुत अच्छी बनी हुई है बनी हुई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला है मैं एम पी ऑफिस को देखता हूँ कि ना सिर्फ वो असम्बली में खड़े होकर आपके लिए कानून साजी करेगा और पुलिस आप पॉलिसी साजी करेगा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं ये सड़क तामीर करवाऊंगा मैं यहाँ पर एक नई लाइन डलवाऊँगा मैंने ये वादे नहीं किए मैंने के ये लिखी की सड़क आपका मसला है आप क्यों के एम सी के दर पे जाएं और आप क्यों सी बी सी के दर पे जाएं एम पी और एम पी की टीम आपका मुकदमा सी बी सी क्यों नहीं लड़े या के एम सी से क्यों नहीं लड़े आपके क्या गैस नहीं आ रही तो आप जो डेढ़ इस महंगाई में डेढ़ से दो नौकरियां कर रहे हैं घर चलाने के लिए आप कब जाएंगे दरखास्त लेके सुग के पास वक्त नहीं पास। वक्त नहीं है ना नहीं। तो ये शिकायत एमपीए की टीम को दीजिए एमपीए की टीम जाके पे लड़ेगी ये भी तो एक पॉलिसी साजी है ये भी तो एक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो हम इस ऐप के जरिए जो मसलों की अक्सी हो रही है हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास बजट है हम राइट ऑफ करेंगे और मसला हल हो जाएगा हम कह रहे हैं कि लेट लेटेस बी योर फूड पैंड फॉर प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम ठीक है बताओ हमें किस चीज की भूख है चाइनीज़ की भूख है लजानिया की भूख है इटालियन की भूख है अलग अलग मसाइल होते हैं ना अलग अलग किस्म की भूख होती है कहीं पर आता है रिस्पॉन्स टाइम कि जी खाना पक्के पंद्रह मिनट में आ रहा है कहीं पर आता है डेढ़ घंटे में भी आ रहा है अगर आप कोई बड़ा बकरा ऑर्डर कर ले किसी कल तो वो आपको डेढ़ घंटे तक का फूड पेंडा दे देगा तो हम तो कह रहे हैं जी हमारा रिस्पॉन्स टाइम है अब ये बताइए ना कि हमारे यहाँ रात के दो बजे अगर कोई इंटरवेंशन हो जाए इस तरह की कि बंदा एक पुलिस की गाड़ी आई उन्होंने देखा गली के चौराहे के ऊपर तीन चार लड़के खड़े हैं डालो भी डाले में ले जाओ हरास करो रात को, वा, को वालेदेन आएंगे फजर के वक्त पे पाँच पाँच हज़ार रुपये देंगे छोड़ देंगे इनको ये रोज़ का चलता है हमारे यहाँ होता है उस वक़्त रात के दो तीन बजे एम पीज अब जाग रहे हैं कि नहीं उनका घर कहाँ पर उनका दफ्तर कहाँ है नंबर उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मगर एक ऑनलाइन ऐप है जिसके पीछे बैक चैनल पर एक टीम काम कर रही है वो चीज़ फ्लैग हो गई वो कंप्लेंट डाल दी ना तो हमने तो इसको इफेक्टिव करने के लिए बैकग्राउंड के अंदर एक पैकिंग ऑर्डर बनाया हुआ है कि देर बी सर्टिन कम्प्लेंट जिसमें हमने दो घंटे में रिस्पॉन्ड करना है या सर्टिन कंप्लेंट जिसमें हम अड़तालीस घंटे तक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं हेल्थ इंटरवेंशन वायलेंस की इंटरवेंशन पुलिस के प्रॉब्लम्स ये इमीडिएट कैटेगरी में आते हैं ठीक है रोडवर्क वगैरह यू कैन आपकी एक शिकायत है असल आप की लिटरेसी के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप वो शिकायत कैसे रेज कर सकते हैं हमारे यहाँ वैसी लिटरेसी जो है वो हैव नॉट है पाकिस्तान का ऐसे वो हैव नहीं है मैं हैव पे फोकस करना चाह रहा हूँ हैव है डिजिटल लिटरेसी क्योंकि मोबाइल आपको इजाजत देता है कि भाई अगर लिखना पढ़ना नहीं आता तो वीडियो बना सकते हो ऑडियो नोट बोल सकते हो जो कि ऑलमोस्ट हर कोई सारी कर सकता कर है। है। सारी कर सकते हैं तो हम कंप्लेंट रजिस्टर कराने की भी चार मैकेनिज्म दे रहे हैं वीडियो बना लो तस्वीर खींच लो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो या अगर लिखना आता है तो लिख के भेज लो अब आपने जिस भी रॉ फॉर्म के अंदर आपकी गली में कुछ टूटा पूटा है कुछ भी है आपने ऐसे वीडियो बना के भेज दी आपकी प्रोफाइल और जियो लोकेशन से हमारे पास आ गया उस वीडियो को अब एम के लेटर हेड पे एक प्रॉपर कंप्लेट में ट्रांसफर करना और फिर उसको उस महकमे में जाके देना रिसीव करवाना आपको आपके ऐप के जरिए बताना कि आपकी कंप्लेंट प्रॉपर बन के वहाँ चली गई और हम उसे फॉलो अप कर रहे हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती एंड वी विल बी एटेड टिप तक वो रिजॉल्व नहीं होती और अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें चलता है कि एक महकमा मुस्तकिल हमारी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं करता तो फिर असम्बली के फ्लोर पर मुतलका मिनिस्ट्री मुतलका अथॉरिटी के चीफ को बुलाया जा सकता है समन किया जा सकता है एड्रेस किया जा सकता है ताकि हम वहाँ भी जो बात करें वो कंस्ट्रक्टिव बात हो वो जामे बात हो वो सिर्फ हवा के नारे ना हो आजकल की सियासत क्या है आधे से आधे एम को तो पता भी नहीं होता कि असम्बली में किस बिल के लिए उन्होंने हाथ उठाया है और दूसरी बात जब उनसे मौकफ लिया जाए तो वो ट्विटर पे देख रहे होते हैं या टीवी पे देख रहे होते हैं कि यार आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है नोबडी रेली नोज के हल्के में क्या हो रहा है और ये रवायती तरीके ये हमारे दोस्त हैं हमारे अहबाब हैं वो आपके दोस्त अहबाब जो लोको सतह पे भी होते हैं वो भी एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है

ये तो बहुत अच्छी बात है कि कॉन्सिटेन डायरेक्टली अपने एम पी एम एन ए का अकाउंटेबल होल्ड करते हैं बकायदा डेटे के ज़रिए यह नहीं कि हवाई बातें क्या आप कहम मैंने वो गली बनाई वो कहे वो नहीं बनाई बाकायदा मैप की हुई चीज़ बहुत अच्छा है लेकिन ये सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट बॉडी है आप एक एम पी ए बेसिकली अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूँ अवाम के डीलर हैं और जाके आपने जो पावर के सदागर हैं उनको मनाने का ये काम कर दो अब आप में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि पी 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 जो एक पावर हाउस है कराची सिंध में कराची में कोई शक नहीं जमात इस्लामी होगी और टू समाज स्ट्राइक कर रही है उनको आप कन्विंस कर लेंगे कि आपके इलाके में चीजें करें नहीं तो मैंने उन सबको तो कन्विंस करना भी नहीं ना मुझे बताइए देखिए ये जो अक्सर लोग बात करते हैं ना कि यार आप अकेले हैं आप क्या करोगे सिंपल सी बात है बिल पास करने के लिए असम्बली में सिंपल मेजोरिटी चाहिए यानी कि मोर देन फिफ्टी परसेंट तो फिर सत्तर एम भी उतनी मिनोरिटी में जितने मैं अकेला हूँ अगर मेजोरिटी बन गई है सिंध के अंदर सवा सौ डेढ़ सौ लोगों को लेके पीपल्स पार्टी के तो बाकी सिर्फ जो साठ है सत्तर हैं वो सब बराबर हो गए ना मतलब कि वो साठ सत्तर मिलके भी बिल नहीं पास कर सकते मैं अकेला भी उधर खड़ा हूँ बट बीइंग एन इंडिपेंडेंट मुझे जो मनुबिलिटी की बगैर ये हॉर्स ट्रेडिंग की और लुटाक्रेसी की जो मिलती है एक फैसिलिटी कि देखिए मैं एप्सोल्यूट गुड्स में और एप्सोल्यूट बैड्स में बिलीव नहीं करता पीपल्स पार्टी ने बड़े अच्छी कानून साजी सिंध के अंदर की हुई है ऐसी लेजिस्लेशन जो मुझे लगेगा आवाम के फायदे की है मैं ट्रेजरी बेंचेस को सपोर्ट करूंगा और अपोजिशन का एक बड़ा अच्छा किरदार रहता है वो तमाम कोताहियां या वो तमाम मिलेशियस या नफेरिस जंडा जो ट्रेजरी बेंच के हैं उनको एक्सपोज करना तो जहां वहां पॉलिसी होगी मैं उनके साथ जाके करूंगा और अपनी भी पॉलिसी और अपना भी कोई कानून लेके आऊंगा तो ये थोड़ी कि यार जब नासिर लेके आए तो कोई पास नहीं करेगा अगर वो कानून है अवामी बेनिफिट के लिए और आवाम उस पर कन्विंस है तो आपने तो लॉबी करके लोगों को इकट्ठा करना है यू कैन एक्चुअली प्ले विद बोथ साइड्स ऑफ द इन दैट सेंस क्योंकि आपने तो एक कॉमन एजेंडा पब्लिक गुड के लिए आगे करना है ये थोड़ी है कि जी देखिए अगर मैं पीपल्स पार्टी से हूँ और हेल्थ इंसाफ कार्ड मतलब कि वो पार्टी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बिलीव करती है वो सेहत इंसाफ कार्ड में कैसे बिलीव नहीं कर सकती यकीनी तौर पर ना बट होगा क्या चूँकि मैं जयाल हूँ भुट्टो का तो खान साहब के हाथ से जो भी अच्छा काम होगा मैंने उसमें कीड़े निकालने और अगर मैं खान का टाइगर हूं तो जो पीपल्स पार्टी अच्छा काम करेगी मैंने उस पर कीड़े निकालने इस चक्कर के अंदर हम अपनी पार्टी की ईगोज में और पार्टी लाइन्स में इतना कैद हो जाते हैं कि हम दिन को दिन नहीं कह पाते और रात को रात नहीं कह पाते चूंकि पार्टी लीडर ने मना किया हुआ है तो ये मैंने आपको दो तो एग्जाम्पल्स दिए एक बेनजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एक सेहत इंसाफ कार्ड समझ समझे बेनिजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है सारे साहबों ने आके अपलिफ्ट किया बनाया नहीं इट वॉज ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इस काबिल था तभी तो उसको अपलिफ्ट किया वरना वरनाटली राइट ऑफ कर देते यानी कि एडमिशन है कि इट इज़ अ गुड थिंग उसमें करप्शन की गुंजाइश थी जो उन्होंने आके क्लीन आउट कर दी इसी तरीके से सेहत इंसाफ कार्ड की भी हमें साल बाद रिपोर्ट मिली कि जी उसमें प्राइवेट अस्पताल जो है वो बड़ा फायदा उठा रहे उसको जो है किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए मिटिगेट मिटिगेट किया जाए कंट्रोल किया जाए उसमें भी करप्शन के जो है चांसेस हैं तो वो दोनों तरफ होते हैं लेकिन वो उस मैं कहूँगा कि फार्मूला की गलती नहीं है वो एक ह्यूमन एरर है जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वो तो करप्शन इस तरह भी एक्जिस्टिस रेस्क्यू वन वन टू टू बहुत अच्छी सर्विस है पूरे पंजाब में जो मुशरफ दौरें बनी थी और बाकी सारी गवर्नमेंट्स ने कंटिन्यू किया उनको एक्सपेंड किया ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते आप अक्रॉस द आइल्स खेल सकते हैं लेकिन आपके साथ एक मैं तो स्टिग्मा नहीं कहूँगा लेकिन उसको कन्वेंशनल मीडिया और माशरा उतरा मुआरे से मतलब सियासी जमातें आपको एक सॉर्ट ऑफ एंटीटलिशमेंट सिली कैरेक्टर में पेंट किया जाता है और ये हर किसी को किया जाता है जो थोड़ी सी हमारे तो हम सब, हम सब नहीं लेके तो साथ भी साथ भी चलना पड़ेगा। एंटी है एंटी आर्मी नहीं मैं ये पहले क्लैरिफाई कर दूंगी हाँ। कतन हमारा नहीं नहीं आपका नहीं, नहीं, नहीं आवाम आप का हम जब एंटीबलिट कहते हैं जब पेंट किया जाता है आपको जो देखिए जो स्टैब्लिशमेंट भी आपको जब पेंट करती है ना वो लफ्ज इस्तेमाल ये नहीं करती कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट है जी जो आपको पेंट करते हैं वो आपको पेंट करते हैं कि आप हमारे दिफाई दारों के खिलाफ हैं थीक है आप हमारी सालमियत के खिलाफ हैं आप हमारे डिफेंस के खिलाफ हैं आप फौज के खिलाफ हैं यकीनी तौर के ऊपर अगर फैसल बाबडा साहब चाइनीज एम्बेसी पहुंच जाएंगे पिस्टल लेके मैं तनकीद करूँगा यू नॉट ट्रेंड टू बी देर आपका वो काम नहीं है हमारी सी है हमारा एंटी टेर स्कॉड फोर्स है हमारी कलंदर और गाजी के रेंजेस के यहाँ पे स्क्वाडन हैं हमारी आर्मी है, उनको ये काम करने दीजिए आप सेनेटर इलेक्ट हुए हैं मिनिस्टर हैं आप वाटर डेवलपमेंट के आप वहाँ जाके वो काम कीजिए सही बात है ना बेशक, और गोस द सेम वे अगर कोई कहेगा कि जी मुझे जो है असम्बली में कानून कैसे बनेगा किस वज़ी अजम को कितना टर्म पूरा करना है उसकी कैबिनेट में कितने मिनिस्टर्स होने चाहिए और कौन कौन होना चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी या फॉरेन पॉलिसी क्या होगी और जितने बड़े महकमे ऑटोनस बॉडी खासतौर पर लैंड डेवलपमेंट के हवाले से बनेंगे वो रूडा हो पीडा हो सी हो उसमें सारे सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स ही बैठेंगे तो मैं अपोज़ करूँगा मगर मैं बिल्कुल साथ दूंगा अभी ईरान के हमला किया हम पे हमने ईरान के ऊपर हमला किया मुल्क की मुल्की को सॉवरनटी पे कोई सवाल नहीं उठ सकता वी स्टैंड बिहाइंड एंड विद आर आर्म फोर्सेस दे आर आर ओनली नॉट फर्स्ट बट आर ओनली लाइन टू डिफेंस इट कम्स टू नेशनल सॉवरनटी बट जो एरियाज़ नहीं हैं उन एरियाज़ में नहीं आना चूँकि देखिए हम ये फिर क्यों बात करते हैं कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं जब भी नया एक आर्मी चीफ आता है ना उसका एक पोर्टफोलियो दिया जाता है ये बड़े प्रो डेमोक्रेसी हैं इसका इसका क्या क्या मतलब मतलब है? है है समझ नहीं, इसका नहीं, क्या नहीं? मतलब है कि है कि एडमिशन पिछले वाले ने के ऐसी तैसी फेर दी की ठीक है यही एडमिशन हुआ ना फिर वरना आपको कहने की क्या जरूरत है बैरिक्स टू दैरस यही बात किया तो इसका यह मतलब था कि पिछले जो आए थे प्रोफेशनल नहीं थे एक तो आप ये देख लीजिए ना कि आप अपने साथ बतौर इदारा भी कितनी इजादती करते हैं कि नए को प्रॉप अप करने के लिए पुराने की कितनी तजी की जाती है बेहतर ये नहीं है कि आप वो पॉलिसीज लेके आए जो आपको टाइमलेसली क्योंकि हम ये सीख नहीं पाए मुझे बताइए आज कौन सा जर्नल है जो रिटायर हो गया है और अपनी इज्जत करवा सकता है पब्लिक मेमोरी ऑफ फोकलोर के अंदर पिछले भी क्या भी वो नहीं क्या वो अयूब खान है क्या वो याया खान है क्या वो रक है क्या वो मिर्जा बेग है क्या वो परवेज मुशरफ है क्या वो अशफाक परवेज क्या है क्या वो राहिल शरीफ है क्या वो कमर बाजवा है क्या वो फैज हमीद है क्या वो हमीद गुल हैं आप नाम लेते रहेंगे आप कहेंगे सारे तो हो गए भाई बचा कौन है इनके अंदर आई थिंक एक दो तो, एक बीच में कहते हैं करामत साहब थे एक जंजुआ साहब थे तीन बीच में गुजरे आगे पीछे थोड़े बहुत स के ऊपर जो कि वैसे ही अगर उस दौर के अंदर भी नब्बे की सियासत क्या थी छः महीने छह महीने 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 ये बन रही थी ना वो सिचुएशन वो भी नहीं थी तो आप इस चीज को खुद देखिए ना भाई कि आपने तो फिर एक ऐसी पॉलिसी लेके आनी है बकौल अगर आप उनकी बातें सुने जो बात कर रहे थे इमरान खान को आउस्ट करने के लिए तो ये था कि मुल्क बस डूबने लगा अगर वो जो एक हाइपर इन्वायरमेंट क्रिएट की गई थी कि किसी भी लम्हे पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा और जो अगले आएंगे वही बचा सकते हैं और अब विजन देना ट्वेंटी थर्टी सेवन का एक टूपर्ट बात बन जाती है नहीं देखिए उसको मैं यूँ देखता हूँ मुझे बताइए कि 2016 में मुझे आपको सबको बताया गया कि यार ये मुल्क तरक्की इसलिए नहीं कर रहा जो कि सारा पैसा अकेला नवाज शरीफ खा जाता है ये पूरा मुल्क का अरबों रुपए का जीडीपी जो है ना सब चला गया एवनफील्ड में और हदबिया में ये कहते हैं ना दो हजार सोलह में मुल्क को बचाना है तो इसको जाना जरूरी है ऐसी। अब कह रहे हैं सात साल बाद कि अगर मुल्क को बचाना है तो इसको आना जरूरी है मुल्क की मैशत चलेगी तब जब नवाज शरीफ आएगा तो सात साल तो मैं और आप पागली बनते रहे ना बेवकूफी बनते रहे हम मट्टी डालने अपने सर के ऊपर ऐसे ही तो उस वक्त भी जो ये बात कर रहे थे पैगामिंग दे दे रहे दे रहे थे आप दे थे पैगाम उसको ही कहते ना जी आज भी जिनको आप कह रहे हैं कि लाड लें तो लाड लें आप स्टैब्लिशमेंट के हैं यही बात हो रही है ना तो आज हमें बताया जा रहा है कि भाई अगर कोई मुल्क तोड़ रहा है तो उसको पांच साल रहने का हक नहीं है तो पांच साल बाद कोई नए जनरल साहब आएंगे और वो बोलेंगे कि जी आज वाले बोल रहे हैं कि तोड़ रहा था ये इमरान पांच साल बाद कोई नए आके बोलेंगे जोड़ेगा ये इमरान अडयाला आवाज़ जाएगी शहजादा निकलेगा अडयाला से ही बारात निकलेगी सीधा पारा जाएगी जी एच क्यू जाएगी एवान जाएगी असम्बली जाएगी ताशपोशी हो जाएगी इमरान खान की और खान साहब भी माजत के साथ कुछ से मुख्तलिफ सियासत नहीं करेंगे उनको भी आज ये नहीं कहते कि मैंने इधारों से निगोशिएट नहीं करना उनको एक दो फर्द वाहद से मसला है पर वही फ़र्द वाहद आज अगर नगोशिएशन के डोर खोल दें तो खान साहब इज़ मोर देन हैप्पी टू हैव वन पेज अगेन टू हैव द हाइब्रिड सिस्टम अगेन शायद एक बुनियादी वजह है कि गो में उनके तमाम तरह इंसानी हकूक के हवाले से जो कुछ पार्टी के साथ हुआ है छः आठ महीने में आई कंडेम दैट एंड आई सपोर्ट पार्टीज़ राइट फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बट मैं पार्टी के सियासी नजरियात से नहीं एग्री करता नजरिया ये नहीं है जो नारा इस वक्त है गुलामी नामंजूर वो तो सिर्फ टग ऑफ वॉर है दो फर्द वायदे में और खान साहब के बीच में ऐसी जो कि हमें नजर आ रही है वो कि डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म बका की बात नहीं है और वो कोई भी नहीं करता ना ये वोट को इज्जत दे रहे थे नवाज शरीफ साहब चार पांच साल पहले अब बूट को इज्जत दो वो खुद ही नैरेटिव हो गया उनके कहे बगैर हमने खुद ही देख लिया ना साहब की कौन सी वीडियो आ रही है ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है भाई किसने डी किया यकी तौर के ऊपर है अगेन मैं गुड बैट में नहीं जाऊँगा फौज के इस मुल्क की बगा के लिए ट्रमेंडस कॉन्ट्रीब्यूशन है मैं और आप नहीं खड़े होते कारगिल के अंदर से अचन में या वो क्या कहते हैं हमारे जो सहरा हैं वहाँ पे या जो हमारे इलाके हैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं कभी भी नेक्स्ट सेकंड ऑफ लाइफ का आपको नहीं पता बट आई बिलीव के पाकिस्तान में और ये अगेन मैं इसमें सिर्फ जनरल्स की बात नहीं करूंगा मुझे आप बताइए हर एक दुनिया की चीज़ पे सो मोटो ले रहे थे चौधरी इफ्तार साहब ऐसे जब सीझे थे उनको क्या पता था बिजनेस का उनको क्या पता था कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स कैसे चलते हैं घुस गए कारके में उनको क्या पता कि इंटरनेशनल जो फंडिंग आती है तो माइनिंग के हवाले से एक्सप्लोरेशन के हवाले से क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं कितना कुछ थैथियन कॉपर ने और उसके प्रेटोसेस ने पाकिस्तान के अंदर लगाया हुआ था नाइन्टी से लेके और वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था रेकोडेक का वो नाइनटी टू से कंटिन्यूशन चल रही थी जिसमें तीन चार इंटरनेशनल कंसर्न्स जो हैं एक दूसरे को अपना इंटरेस्ट बेच के जाते रहे और वो एक्सप्लोरेशन करते रहे विद द अंडरस्टैंडिंग कि जब कुछ निकलेगा पहले बिडिंग राइट्स हमारे होंगे बिकॉज हम पाँच छः सौ मिलियन डॉलर लगा रहे हैं पाकिस्तान में सिर्फ आपको ढूंढ के देने के लिए कि यहाँ कुछ निकलेगा कि नहीं एक चीज़ है ना एक स्टैंडर्ड है चौधरी साहब है सुबह मोटो लिया कामरान ख़ान का एक शो दे के फ़ारग कर दिया उनका भी काम नहीं था इकोनॉमी चलाना उनका भी काम नहीं था कि ये कैसे सैनैरियो बनता है कि आप कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं इंटरनेशनल डोनर्स को और तबाह करके चले गए भाई ह्यूमन राइट्स पर वो ले रहे थे सुबह मोटो मिसिंग पर्सन वगैरह पे वहाँ तक रहते हर जगह ही फैल जाते हैं साकिब निसार साहब ने यह किया और तो डैम बना रहे ठीक बन exactly जाक जाक है बन ना एजेंडा तक अपने आप को साहब ने रखा ठीक है उनके जजमेंट्स में जो लिखा हो लिखा हो बट उस मोटो में नहीं गए उन्होंने बैकलॉग ऑफ केसेस के अंदर मॉडल कोर्ट्स का अपने सिस्टम को रिफॉर्म करने पे फोकस किया जो काम है जो काम है करने का तो ये तमाम इदारों के अंदर होता है कि हम यहाँ वहाँ घुस जाते हैं जहाँ हमें घुसना नहीं होता बिकॉज जब पावर आती है तो पता नहीं शायद पावर की वजह से भाई देखिए ये बात सही है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हर इंसान जो है वो अल्लाह से हम कलाम हो रहा है डायरेक्टली हम बिलीव नहीं करते हमारे मजहब में बतौर मुसलमान कि कोई इंटरमीडरी का है हम अल्लाह से डायरेक्टली मदद मांगते हैं अल्लाह से डायरेक्टली बात करते हैं ठीक है तो और अल्लाह हमसे डायरेक्टली बात जवाब देता है हम या कना बुध या कन्हने दिन सरासमस्तकीम अल्लाह ताली से, अल्ला से डायरेक्टली कहते हैं ना तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई कि जब हम बहुत बड़ी ताकत के मनसब पर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गुमान होने लगता है कि यार आई एम द दोजन वन चौबीस करोड़ के अंदर कोई और नहीं मैं कहाँ से आया किन हालात से और मैं इस मनसब पर बैठा हूँ यकीनी तौर पर ने मुझसे कोई बड़ा काम लेना है तो जब आप इस तरह तो सेल्फ अब्जॉर्ब हो जाते हैं ना और अपनी ज़ात में खो जाते हैं तो आपको लगता है कि दस्त शिफा तो यही है तो फिर हर एक को थप्पड़ मारो इस हाथ से थप्पड़ पड़ेगा तो शिफा आती जाएगी तो आप हर एक को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं ठीक <laughs> ये, ये तो ये है इस तो मुल्क नहीं चल सकते हमने मसाया कॉम्प्लेक्स का सुना है पर एक मसीब बनने का भी कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है आई थिंक टू सम एक्सटेंट सियासत में आने के लिए थोड़ा सा देर टू बी एन एलिमेंट ऑफ मैं ये कर सकता हूँ वरना कौन ये इतना पे इस वक्त इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े मोज़ लोग जो हैं जो कुरान शरीफ के ऊपर हल्फ उठा रहे हैं जी मैं इमरान खान का वफादार रहूँगा अल्लाह माफ़ करे जी मैं तो कुरान पाक के ऊपर हल्फ उठा के सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि मैं हजरत मोहम्मद नबी पाक आतमबीन का वफादार रहूंगा और तो मैं किसी शख्स वफाारी का हल्फ नहीं उठा सकता मुकम्मल शख्सियत तो वही है वो असल में जब आप कह दें कि इसमें दीनी टच डालो और आप एक ये, 90's में नवाशी ये ये, में देखिए एक एक बड़ी दे बात दे बात दे है ना मुझे बताइए खान साहब के जो तीन साढ़े तीन साल ऑफ टेन्योर थे वो यू टर्न से डिफाइंड है यू टर्न से डिफाइंड है खान साहब कहते हैं जी बड़ा लीडर ही वो होता है जो टर्न ले सकता है जो बंदा खुद अपनी बात पे छह महीने क्या छह हफ्ते नहीं कायम रहता और पॉलिसी में यू टर्न ले लेता जब उसको लेना होता है आप कह रहे हैं मैं इंसाफादारी काल्फ लूंगा आप कह रहे जी मैं एक पार्टी से वफादारी का हलफेरा भाई आपको टिकट मिला है ना आपको खान साहब ने जब टिकट दे दिया तो आपके वोटर को ऑलरेडी होना चाहिए भाई इंटेग्रिटी है ऑनर है या तो आप बोलो हमने जिनको टिकट दिया हमें उन पर भरोसा नहीं लग यही रहे कि जिनको टिकट दे देने कि शायद वो कोई उनकी बात में दम खम नहीं है इसलिए उनसे सॉर्ट ऑफ पब्लिक गारंटी है लेकिन जिस जिसकी कुरान पे हल्फ की वीडियो बन रही है वो वायरल भी हो रही है ताके उनकी पब्लिक नहीं वो वायरल हो रही बट आप मुझे बताइए भाई मैं, मैं तो आ, बतौर पाकिस्तानी आइन से वफदारी का हल्फ ले सकता हूँ बतौर मुसलमान इस्लाम से वदादारी का हल्फ ले सकता हूँ इसके अलावा तो मुझे कोई और चीजें नज़र नहीं आती कि मैं वारी का हल्फ लूँ अपनी अमी अबू की खिदमत का हल्फ ले सकता हूँ ये हल्फ ले, ले नहीं सकता हूँ कि मैं माशरे के अंदर कोई बुराई नहीं पैदा करूंगा मैं ये हल्फ ले सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं ये हल्फ ले सकता हूँ कि मैं चाहते हुए दानिस्तौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा मगर एक और इंसान जो अपने सियासी उतार चढ़ाव के हिसाब से अपना दिमाग कल को कहीं भी बदल सकता है मैं उससे वफादारी का हल्फ ले लूं तो कल को फर्ज जी हो गए चार साल गुजर गए खान साहब आ गए हैं हुकूमत के अंदर मैं इन सलमान अकरम राजा साहब मेरे मोतबर उस्तादों में से हैं अच्छे से उनको मिलता हूं पिछले दिनों भी मुलाकात सिंध हाई कोर्ट में हुई बड़े काबिल वकील काबिल वकील है चार पांच साल बाद खान साहब आते हैं और कहते हैं कि जी अब तो बदले का वक्त है लेट देयर बी सैलवेशन और वो तो आएगी तलवार से ठीक है तो हमें इतना कुछ तकेला गया जेलों में तो अब नून लीग के साथ दोबारा से शुरू करो और बड़े लेवल पे शुरू करो और पीपल्स पार्टी के साथ शुरू करो तो क्या वो फस्ताइत नहीं होगी उस वक्त तो आप कहेंगे जी चूँकि हमने हल्फ लिया हुआ है तो हम सर निगू करके खड़े रहेंगे नहीं और अगर उस वक्त आप बोले खान साहब के खिलाफ और आपने कहा मैं पार्टी छोड़ रहा हूं तो फिर आपका हल्फ कहां जाएगा तो खुदा के वास्ते इस इलेक्शन में ना खो जाइए थोड़ा मैं शायद इसीलिए दस साल बाद भी विदाउट हैविंग कमिंग फ्रॉम एनी बिग पोलिटिकल फैमिली अपनी छोटी मोटी इंटेग्रिटी बचा के रखा हुआ बिकॉज आई एम ऑलवेज लुकिंग एट कि अभी इन पाँच साल का नहीं अगले पाँच साल में क्या होने वाला है ये सोच के चलें तो ये तो मेरे लिए भी बड़ा ईजी था ना जी कि मैं भी एक हल्फ की वीडियो बना लेता आज मैं कैंडिडेट होता मैं एन ए पे या पी एस के ऊपर होता पीछे खान साहब का पोस्टर लगा होता दस लाख लोग मेरे भी ट्विटर पर और बढ़ जाते आई थिंक एक चीज़ जो एक सॉर्ट sort ऑफ of पूरी मुस्लिम उम्मत के अंदर ना एक डूम्सडे टाइप सिनेरियो हर वक्त पेंट हो रहा होता है क्या की निशानियाँ ये वो बला बुला ये एक मैंटेलिटी हमारी कौम में सीप इन कर गई है मसा आप मुसलमान कहीं से भी उठा के देख लें तो उनको रिलीफ़ दुनिया में नहीं आखिरत में नज़र आती है हालाँकि दुनिया बक, बकदर एफर्ट है क्या आप एफ़र्ट करें लास्ट में आपको चीज़ें देता है मसा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा वाक़ हुआ फ़लस्तीन का रिसेंटली जहाँ पर हमास ने हमला किया फिर आई डी एफ की फोर्स ने उन पर जवाब दिया तो उम्मत से बहुत ही एक अजीब मिक्स रिएक्शन आया पाकिस्तान गवर्नमेंट से बहुत कमज़ोर रिएक्शन था पाकिस्तान गवर्नमेंट हालांकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को पूरे ईस्ट ने फंड और सपोर्ट किया क्योंकि तो उनकी भी ख़्वाहिश थी कि मुस्लिम नेशन स्टेट के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब हो हमारा इतना कमज़ोर रिएक्शन सिग्नल करता है एक्सेप्टेंस ऑफ इसराइल और इब्राहिम अकॉर्ड्स की बलदस्ती देखिए हमारा एक कमज़ोर रिएक्शन सिग्नल करता है हमारी आइडियोलॉजी का खोखला होना वो सिग्नल करता है चूँकि देखिए हम अगर ये बात कर सकते हैं कि यार हम इकनॉमिकली वीक हैं और एक प्रैगमेटिक बात है कि हम डोनर और रेड के मोहताज हैं मगर अगर इन्हीं तमाम चीज़ों से हमारी आइडियोलॉजी तो आइडियोलॉजी तौर पर खोखले हैं ना चूँकि यमिन जो कि हमसे भी बगर तरबियत का शिकार है सऊदी अरब ने क्या छोड़ा है यमिन के अंदर अमेरिका के साथ अलाई करके क्या छोड़ा ने पिछले कुछ सालों में कुछ भी नहीं है मगर वो इस वक्त खड़ा हुआ है वाहिद खड़ा हुआ सामने आके उसने सपोर्ट की चुके देखिए एक आर्म स्ट्रगल चल रही है ना और उसने भी कहा कि जो मेरे करीब से गुजरेंगी शिपें मैं उनको रोकूंगा जस्ट टू पुट सम प्रेशर जस्ट टू इनवाइट द अटेंशन और एक तरीके से जरा ललकारना बाकी मुल्कों को जो ओ के अंदर आते हैं बिकॉज देखे ना या तो आप ये फ्रेज निकाल दीजिए सियासत में से उम्मा ठीक है और ये ग्लोबल सतह के ऊपर उम्मा का इस्तेमाल होता है वो ऐसी बनी उम्मा की वजह से है ना आप उम्मा की बात करते हैं मुस्लिम कंट्रीज फाइन टुगेदर उसका मकसद ही या तो आप निकाल दीजिए आप बता दीजिए जी कि लेफ्टिस्ट कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट कंट्रीज सेंट्रिस्ट कंट्रीज़ लिबरल कंट्रीज इस तरह की आप चले जाइए वेलफेयर स्टेट्स नॉन वेलफेयर स्टेट्स मनार्की इन चीज़ों के ऊपर आप बना लीजिए अपनी अलाइंस या अगर आप ये उम्मा की बेसिस पर बनाते हैं तो फिर तो अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त शुमार ही नहीं होते किसी गिनती के अंदर हम आते ही नहीं हैं और इस दौरान के अंदर भी हमें अगर वक्त मिला है तो बम बारी मुसलमानों ने दूसरे के मुल्क पे की है ऐसे ही पिछले पिछले दस दिनों के अंदर ना और वहाँ हम कुछ नहीं कर सके तो हम आइडियोलॉजी से खोखले हैं और यकीनी तौर तो के ऊपर अंदर से बड़ा दिल जल चाहता है कि यार ये दुनिया जो है पाकिस्तान जो है आँखें मूंद लें और हम किसी तरीके से इसराइल को एक्सेप्ट कर लें और उससे जो इकनॉमिक बेनिफिट मिलना है वो हम ले लें और फिर कॉम को बोलें यार तो जो हो गया सो हो गया दिस इज़ द न्यू क्या आपको लगता है इसकी तैयारी में देखिए इसराइल को एक्सेप्ट करना इज अ डिफरेंट थिंग इसराइल को उसकी मौजूदा सियासत के साथ मौजूदा रविश के साथ मौजूदा एजेंडे के साथ मौजूदा प्लान के साथ एक्सेप्ट करना कंप्लीटली डिफरेंट थिंग एक एक्सपेंशनिस्ट स्टेट एक ऐसी स्टेट जो लिटरली टेरर एज अ स्टेट पॉलिसी में बिलीव करती है ना सिर्फ बिलीव करती है उसको इंप्लीमेंट करती है ना सिर्फ फ़लस्ती के खिलाफ बल्कि अपने शहरीों के खिलाफ जो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ बोलता है टेल अवीफ के अंदर आपने वो वीडियो और वीडियोज़ भी देखे कि उनका क्या हाल होता है और कैसे उसको ट्रीट किया जाता है हैरिट्स एज अ मीडिया उसके साथ क्या कुछ होता रहा पाबंदियाँ क्या कुछ लगती रहीं तो आप नहीं सपोर्ट कर सकते बट अनफॉर्चुनेटली उस हवाले से उस थ्रेश के ऊपर कि हम बतौर हुकूमत अपने लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं पाकिस्तान भी कुछ सुनहरे हरफों में तो याद नहीं किया जाएगा नहीं इसमें ये लाखों करोड़ों जो बलूचिस्तान के लोग देख रहे हैं सम्मीदीन बलोच को डॉक्टर मारंग बलोच को किस चीज़ का रोना रो रहे हैं वो ये देख के कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बहुत तरक्की आ गई या वो ये कह रहे हैं कि ये रियासत अपनी बच्चे खा जाती है या जो हजारों लाखों पश्तून मंजूर पश्चिम को देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं ये जी के अंदर अभी तीस दिन से बत्तीसवां दिन है तैंतीसवां दिन हो गया बल्कि मनफी डिग्री है दर्जा हरत में कह रहे हैं वीट सब्सिडी गंदम चावल दो ही चीज़ तो खाते हैं यही तो सस्टेनेंस है उसके ऊपर भी सब्सिडी जो है उनसे ले ली गई है पंद्रह किलो जो है फ़ी किलो पंद्रह रुपये फ़ी किलो आपने महंगा कर दिया है वहाँ पर आटा और वहाँ पे वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है सारी जो जॉब्स है मेजोरिटी गवर्नमेंट सेक्टर में है डेवलपमेंट बजट टोटल 116 सो अरब का होता है इक्यावन अरब से तनख्वाह में जाता है एक ब्लोटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स तो पूरे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है मसलन के आप हमारा जो पी का ए का इधारा मुख्तौर इदारे हैं तबाह हो गए हैं बल्कि आई थिंक पंजाब वाद सूबा है जिसके पास दस साल अभी है हैं कि उनकी ब्लोटिंग कम्प्लीट नहीं होगी बाकी सारे तकरीबन पहुँच गए हैं उस स्टेज तक एक जो पाकिस्तानी अवाम की एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से अभी हम थोड़ा सा हट के इस आइडिया में आ रहे हैं कि हकूमत का जो फाइनेंशियल निज़ाम है वो क्या होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इसकी डेफिशन शायद अवाम उस स्टेज तक मचोर ही नहीं की लेकिन ये डिसीजन होते रहे हैं डेली बेसिस पे हम एक कैपटलिस्ट एक है कंट्रोल सोशलिस्ट इकॉनमी है हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर किस तरह हैं हमने वेलफेयर प्रोवाइड करनी है हमने वेलफ़ेयर सब्सिडाइज करनी है ये सारे मॉडल आवाम की आसानी के लिए हैं लेकिन यहाँ पर एक मिक्स एंड मैच होता है और फिर वो स्ट्रक्चर्स ओवर पीरियड टाइम बलून करके फट जाते हैं आज पी आई ए आप आने पौने करके बेचने लगे तो आपके नज़रियात के मुताबिक किस तरह की गवर्नमेंट सेटअप होना चाहिए देखिए फाइनेशली स्पीकिंग देखिए मेरे नज़दीक जो है ये सर्टन असेंशल सर्विस सेक्टर्स जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से चलने चाहिए आज भी एन जो है यूके गवर्नमेंट चलाती है इवन और आ, आप अमेरिका के अंदर भी वो जो प्राइवेटाइज आपने पूरा सेक्टर किया तो आप उसके तोड़ के लिए ओबामा केयर लाना चाह रहे थे इतनी शिदत से लाना चाह रहे थे कि हर एक सेलिब्रिटी के साथ बैठ के ओबामा ने ऐड बनाया कि भाई देख लो और उसको उसके अपने गवर्नर सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसलिए बार बार प्रेसिडेंट को बनाना पड़ रहा था वो इस स्टैन हेल्थ हो गई एजुकेशन हो गई रोड वर्क्स हो गए कम्युनिकेशन जो लार्ज लार्ज नेशन वाइड होती है ये वो सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहने चाहिए मगर गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है एयरलाइन चलाना गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है रेलवेज भी चलाना आप देखिए इसके ऊपर प्राइस कैपिंग कर सकते हैं आप उस प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज दे सकते हैं मगर आपने अगर ये जरिया बनाया है कि जी रेलवे जो है इसलिए प्राइवेटाइज नहीं होगी चूँकि साद रफीक साहब जहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं वहां उनके हलके में रेलवे कॉलोनी से ही पंद्रह बीस हजार वोटर निकलता है, है। जो गारंटी करता है तो इस चक्कर के अंदर जब भी रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात होगी रफीक साहब इस मैटर को डिले करेंगे इस बारे में कोई बात नहीं करता मगर बड़ी बेतुकी सी बात है ना कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राइवेटाइजेशन इसलिए आके रुकी है लेकिन बोगियां कर देते ना बट मेन चीज है जो रेलवे कॉलोनी की लैंड की आ गई ना देखिये आपने कॉस्ट इफेक्टिवली इफेक्टिवलीदारे चलाने ये इदारे अपनी इंटरनल डेट का शिकार नहीं हो सकते

तो ये फिर आज तो जो है ना आ, ये नुकसान आप दूसरा करते हैं हमारे हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाया जाता है और फिर एक शॉक थेरेपी दी जाती है okay, तो बातें सुन के ऐसी ऐसी हमारी बात खतरनाक बातें बाद इतने तवील अरसों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हुकूमत की हुई है और लाहौर का जब जलसा होता है तो वहाँ पे बिलावल भट्टो साहब मशहूर की बात करते हैं कि उन्होंने सैलरीज डबल करनी है पॉवर्टी एलिविएट करनी है लेकिन हमारे पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जो शायद लोगों को इतना पता नहीं है कि सिंध से फैमिलीज दर फैमिलीज़ बॉन्डेड लेबर में यहाँ पे भट्टों को बेची जाती है। हैं और हमारे भट्टों में पंजाब में एक्सक्लूसिवली सिंधी फैमिलीज ही होती हैं अब ये एक पर्टिकुलर इशू है जो ज्यादा आपकी पर्टिकुलर सिचुनसी से शायद नाव इंटीरियर सिंध का ज्यादा इशू हो पर यह क्या वजह है कि एक पूरे सूबे के अंदर से सिंध में से हम देख रहे हैं बलोचस्तान में से देख रहे हैं और तूषाण के पी के में से देख रहे हैं कि सारी इवाम उठ के पंजाब की तरफ आ रही है देखिए इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की जब आप बात करेंगे ना तो मैं तो किसी मनसब पर इलेक्टेड ही नहीं हूँ मगर मेरे ख़्याल में मैं कराची से लेकर बरोगल तक तमाम तर इलाकों के इशूज़ रेस कर चुका हूँ पिछले दस साल के अंदर मैं अगर कोयटा हज़ारा किलिंग की बात करता हूँ मैंने कोयटा से एक्शन नहीं लड़ना मैं अगर तुरबत के मिसिंग पर्सनस की बात कर रहा हूँ तो मैंने वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना गवादर के अंदर जो हक तहरीक थी वो फिशिंग के हवाले से जो पॉलिसी थी जो शिप्स थी जो ईरान का बॉर्डर बंद कर देते हैं या मैंने अभी गिलगित बुल्दस्तान में गंदम का आपसे इशू किया या अगर मैं साउथ पंजाब में जो उकाड़ा के हमारे फार्मर्स से जो क्लेम किया जाता था, था कि मिलिट्री फार्म है इसके ऐसे होता था दोज़ आर नॉट माई इशूज़ या सिंध के अंदर जगह जगह वो दादू हो या वो इवन मलिर हो या जैकवाबाद हो जहाँ फ्यूडल स्ट्रक्चर्स ने अपना रोर दिखाते हुए अवामनास के ऊपर तशद किया कतल तक कर दिए बहे और स्कॉट फ्री घूम रहे हैं वो मेरे हल्के के इशूज़ नहीं हैं जब आप पार्लीमेंट के अंदर हैं तो एक तो मैंने आपसे अभी तक बात की ऐप के जरिए सर्विस डिलीवरी की पार्लियामेंट के सियासत के दो जुज हैं सर्विस डिलीवरी और एक दूसरा जुज है शूर और बेदारी आपने एक अवेयरनेस भी क्रिएट करनी आपने उन लोगों की आवाज़ बनना जिनकी आवाज़ नहीं है पॉलिसी की सतह के ऊपर कानून साजी की सतह के ऊपर रविश क्या होनी चाहिए हुकूमत और हुकूमत को मतवज़ो करने की सतह के ऊपर कि मुझे अगर पार्लीमेंट का फ़ोर मिलता है तो मेरे ख्याल में कराची से लेकर जयको आबाद तक मैं तमाम तर ऐश रेज कर सकता हूँ ख़ास तौर पर अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है अब एक ये बात करना कि लोग पंजाब की तरफ रुख करते हैं वो एक चीज़ है और दूसरी तरफ आपने कहा कि जी लोगों को भट्टों में बेचा जाता है वो तो फिर फोर्स लेबर है वो तो आप कहीं भी करवा देंगे उससे ब्रिक किन्स के अंदर वहाँ पर काम करना शुरू कर देंगे मगर इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि आप जब इकनॉमिक हब्स की बात करते हैं पंजाब में तो आप पाँच छः शहर गिनवा सकते हैं हाँ। और जब आप कराची में बात सिंध में बात करेंगे तो कराची आप कराची सकते हैं ना वहाँ पे सियालकोट भी है वहाँ पे फैसलाबाद भी है वहाँ पे रहीम यार खान भी है वहाँ पे लाहौर भी है मल्टीपल सेंटर्स बने हैं अलग अलग चीजों के तरीके से जो कि बन गए हैं तो यकीनी तौर के ऊपर इकोनॉमिकली वर्कर वहीं पर ग्रेविटेट होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो कराची जो है पूरे पाकिस्तान को समेटता है बिकॉज हम बार बार ये कहते हैं कि जी यही शहर अपना पेट काट के जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक व्हील चलाता है हम यही दावा करते हैं ना और पूरे पाकिस्तान का हक है यह तो कोई बात नहीं हुई कि मैं यहाँ पैदा हुआ और आप दूसरे सूबे में पैदा हो गए आप सब एक ही शनाख्ती कार्ड रखते हैं और आप सब एक ही पासपोर्ट रखते हैं आप सबका इस मुल्क के जर्रे ज़र्रे के ऊपर हर एक इंच के ऊपर उतना बराबर का हक़ है इसके वसाइल के ऊपर इसकी रिसोर्स के ऊपर यकीनी तौर पर एक बहुत ही पवर्टेड सी बात अजीब हो जाती है और अपनोश सी बात होती है कि चलें जहाँ से कोई अगर रिसोर्स निकल रहा है तो वो फैलेगा यूँ कि इमीडिएट नेबर से दूर के नेबर तक जाएगा जी हमारा क्या होता है अगर आप गैस की बात कर लें तो बलोचिस्तान को नसीब नहीं है पूरे पंजाब को सिंध को नसीब हो जाती है ऐसे तो वो एक ऑफकोर्स एक सर्टिडी है जो कि नहीं होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज हैं मिसाल के तौर पर जो प्राइवेटाइज हुई हैं उनके अंदर भी हम एक मेजर इशू देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रीड है कपल्ड विद गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी सिर्फ उसको ऑडिट और चेक करने के लिए बलून करके अवाम को उसका नुकसान हो रहा था अच्छा अब मुझे बताइए कराची से अब तक कितने नुमाइंदों का आपने इंटरव्यू कर लिया पॉडकास्ट में मैंने अभी एक का किया एक का किया आप जब तक यहाँ पे सबका कीजिएगा मैं जो आपको बात बताऊंगा पूछिएगा किसी को पता भी है कि नहीं पता ठीक है उनसे सवाल कीजिएगा कि 2005 की नेशनल गैस एलोकेशन और मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है उनसे सवाल कीजिएगा कि इस पॉलिसी के तहत प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि गैस हमारी इंडिजनस गैस हमारी सुई की गैस सुई सदन सुई नदन और तो बाकी जो जखायर है ये किस ऑर्डर के अंदर किस तरतीब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है ओके okay. उसका ऑर्डर क्या है वो आपको बता ही नहीं पाएंगे ठीक है ये क्यों ज़रूरी है प्रायोरिटी के हिसाब से नंबर वन जिसने रिसीव करनी है गैस वो डोमेस्टिक है और उसके साथ पांच इंडस्ट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट कैटेगरी की स्पेशल जिनको ये कहा गया है और नंबर टू पर पाकिस्तान का पावर सेक्टर आता है पावर सेक्टर में गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक जैसे प्राइवेट अदारे दोनों आते हैं नंबर तीन पे फिर फर्टिलाइज़र है उसके बाद फिर कैप्टिव पावर है कैप्टिव पावर प्लांट आपके सुनने वालों को बता दूं कि हमारे बड़े बड़े कारखानों के अंदर कारखानों ने अपनी ज़रूरत के लिए बिजली पैदा करने के लिए एक प्लांट लगाया होता है जिसको कैप्टिव पावर प्लांट कहते हैं वो गैस लेता है उस गैस से वो उतनी ही बिजली बनाते हैं जितनी उनके इस्तेमाल की होती है और वे अपना कारखाना चलाते हैं अब ये चौथे नंबर के ऊपर आता है रैंकिंग में और कैप्टिव पावर प्लांट का मसला यह भी है कि इनकी पुरानी मशीनरी है दहाइयों पुरानी इनका कोई एफिशिएंसी ऑडिट भी नहीं हुआ हुआ ये उतनी एफिशिएंसी पे गैस को बिजली में कन्वर्ट भी नहीं करते जैसे बाकी तो हैं होते है। है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ही तरतीब फॉलो होती है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के पांच सेक्टर्स पावर सेक्टर्स तो कराची के ऊपर आप जब गिनना शुरू करेंगे तमाम तरकारखाने बिजलियों के आई एसको लेफिशिय रेट देखेंगे और उनका चार्ट निकालेंगे तो सबको सुई गैस और सुई धनंद दन है सस्ती बिजली से वो लोग बिजली पैदा कर सस्ती सस्ती गैस से वो लोग बिजली, बिजली पैदा कर रहे हैं तो फी यूनिट बिजली कम होती है और फिर जो गवर्नमेंट का एग्रीड होता है वो उसके हिसाब में आ जाती है कराची की बदकिस्मती ये है कि कराची के के इलेक्ट्रिक को एल जो हमने महंगे महंगे नुकसान करके ले ली कराची की के इलेक्ट्रिक को बांध दिया है कि तुम सिर्फ एल लोगे और तुम्हारी जो नेचुरल इंडिजिनस गैस है ये हम कराची के कैप्टिव पावर प्लांट को देंगे साइट के अंदर और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़े बड़े कारखानों को क्यों के इलेक्ट्रिक के और कुछ मुआदे नहीं हुए हैं गैस के जो उनके इंटरनल जबकि ऑर्डर्स ने बार बार कहा कि जब तक आपके करंट एरियस पे हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक को प्रॉपर उनकी नीट के हिसाब से गैस दें मगर अब आप गैस देते हैं तो आप इंपोर्टेड एल देते हैं उसकी वजह से कराची का बिजली का फी यूनिट पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में महंगा तरीन है ऐसे ही बनने के ऊपर अच्छा के इलेक्ट्रिक का इसमें कुछ नहीं जाता उनको कल को आप सस्ती गैस दे देंगे उसका बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देंगे आप उनको महंगी एल देंगे वो उसका बर्डन कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देंगे इस पॉलिसी भी कोई बात नहीं कर रहा कि सिर्फ अगर इस गैस का प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर लिया जाए जो कि ना सिर्फ दो हजार पाँच में वक, ने बनाया आज तक है बल्कि उसके बाद उसको री करने के लिए हमारी दो की इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी भी आई नेशनल उसमें भी ये बात लिखी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी है कि प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होना चाहिए मगर कराची के इस इशू को कोई रेज नहीं करता जो कि कराची का बड़े से बड़ा वफादार जो यहां बैठेगा ना आपसे बात करेगा उसको आखिर के अंदर अपनी कैंपेन के लिए उसी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से और उसी साइड इंडस्ट्रियल एरिया के बड़े बड़े जो कंपनीज हैं सीट हैं उनसे इलेक्शन फंड चाहिए तो ये बात कभी रेज नहीं करेगा चूँकि उनका बेनिफिट है ना वो भी एक इंटरेस्ट और लॉबी है तो वो आपसे जागीरदारों की बात कर लेगा आपसे वडेरों की बात कर लेगा कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं करेगा कॉर्पोरेट सेक्टर साली नहीं करता 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 है ना बेशक तो ये मैंने आपको इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया कि अगर आप यही काम कर लें तो फीस यूनिट बिजली इतनी गिर जाएगी कराची में कम हो जाएगी और आप गवर्नमेंट रेट पे चले जाएंगे कि आपको हर घर को बैठे बैठे एक रिलीफ मिलेगा एक ऑफ रिलीफ मिलेगा इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा वैसे ही ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इंडिजिनस गैस के जो ज़ाया हो रहे हैं हम बांट रहे हैं उन नॉन एफिशंट प्लांट्स को और अंदाजा करें जब इन प्लांट्स का ऑडिट करने के लिए मुतलका महकमे गए और उनको नोटिस दिए कि आपका एफिशिएंसी ऑडिट हो रहा है तो ये सारी कंपनियां उठी सारी बड़ी इंडस्ट्रियां उठी और हाईकोर्ट चली गई स्टे ऑर्डर लेके आ गई कि, कि हमारा एफिशिएंसी से ऑर्डर नहीं होगा हाँ स्टे ऑर्डर तो मिल जाते हैं ना भाई वो तो मिल जाते हैं टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको तो पता है टेक्निकल बेसिस के ऊपर पार्टी के सिंबल छिन जाते हैं एक स्टे ऑर्डर की क्या बात है ठीक है वो इलेक्शन की रूह कब्ज़ कर ली जाती है एक डेड इलेक्शन कर लिया जाता है सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर तो ये बात कराची का कोई उम्मीदवार अगर आपको बैठ के समझाए भी इससे वाकिफ भी हो तो फिर मुझे बताइए वो आए शहर में सियासत करे हम शहर की सियासत जो है ना बस मोटी मोटी कटर है ढक्कन बलती हुई सड़कें गए वो भाई के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ खड़े आप एहत करो बिजली बहुत महंगी है हाफिज़ नहीं रहमान साहब ने कितने एहत किए बिजली बहुत महंगी है और पहले ये पॉलिसी भी तो आवाम को बताओ ना बिजली क्यों महंगी है क्या के इलेक्ट्रिक ने तनख्वाहें बढ़ाई हुई हैं इसलिए बिजली महंगी है के इलेक्ट्रिक भी आपको वही रेट देता है जो गवर्नमेंट दे रही है उसके ऊपर का जो रेट है अगर ऊपर बिजली महंगी पैदा हो रही ज्यादा वो आवाम को ट्रांसफ़र होगा इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा तो अगर आप आवाम से वाकई में हकीीकी मायनों में वफादार हैं और सच्चे हैं तो मुकम्मल सच बयान कीजिए जब आपसे ये बात करने में टेक्निकली लोग सुनेंगे तो जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है काइट का और साइट का मुझसे तो नाराज़ हो गया ना नहीं उनके पैसे मुश्किल ही मिले हैं नहीं हाँ मुरुदाराज हो गया ना कि जान नासिर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ये क्या बातें कर रहे हैं इसी वजह से भी शायद जो है जो तरह तरह के लेबर लेबल्स मुझे लगे हैं पिछले दस साल में जो कि नाराज बहुत हो जाते हैं लोग मुझसे नहीं आप छेड़ते बहुत सारा मैं तो सच बात नहीं पॉलिसी मैंने तो नहीं बनाई यार आ ये तो तो है मैंने तो नहीं बनाई ना आप प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज चेंज तो तो मैं बात नहीं करूं। मैं 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 तो, मैं ये बात बात नहीं ये हजूर देखिए मैं ख्वाहिशात का इजहार नहीं कर रहा इस वक्त आपसे मैं हकीकत बता रहा हूं ऑन पेपर जो है तो आपने यकीनी तौर पर जब बैठ के एक पॉलिसी ऑर्डर बनाया है नेशनल गैस एलोकेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी का तो आपने तमाम तर देखा कि सबसे एफिशियंट यूज क्या होगा इस गैस का यही देखा ना आपने आप उसी को फॉलो नहीं कर पाते अब इंटरेस्टली नफ ज़ाहिर है आपने ये भी बता दिया कि सियासतदान इसकी बात क्यों नहीं करेंगे उनका एक ऑब्बियस इंटरेस्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस में इन बड़ी कॉरपोरेशन से लेकिन जो चौथा पिलर है जमूर का जो पाकिस्तान में इतनी डिटेल में इसकी डिस्कशन नहीं होती ये काम तो बेसिकली आप एक मीडिया का था कि कोई भी एक सियासी पॉलिसी बनती है जयम बनता है उसको क्रिटिक करना क्रिटिसाइज करना ये देखिए माजरत के साथ सहाफ़ियों को मैं मोतबर जानता हूँ मैं मीडिया मालकान को और मीडिया चैनल्स को और अखबार के मालकान को मोतबर नहीं जानता कोपरेट इंटरेस्ट से ना हर दूसरा जो है वो लैंड होल्डिंग में है या ग्रुप ऑफ़ कॉलेज खोल के बैठा हुआ है या बिजनेस खोल के बैठा हुआ है या रियल स्टेट डेवलपर है दो तीन ही हैं जो कि प्योरली थ्रू आउट चले आ रहे थे मीडिया के अंदर और उन्होंने भी माशाला कोई कम बेनिफिट्स नहीं लिए वो भी अपनी पोजिशने बैठ के अपने मीडिया हाउस को इस्तेमाल करके लेवरेज करते हैं और पावर ब्रोकरस बनते हैं मीडिया मालकान को इस मुल्क में पावर ब्रोकर बनने का बहुत शौक है हैं उनको नहीं वो हैं ना उनको सच बताने का और सच बोलने का शौक़ ही नहीं है तो इस वजह से जो है जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट है ये भी बहुत खोखला हो गया है जो मीडिया मालकान और जो मीडिया बग़ैर तफरीक के हर एक सहाफ़ी के मरने का गम नहीं कर सकता हर एक सहाफी के पे लगी पाबंदी को कंडेम नहीं कर सकता किसी भी चैनल पे लगी पाबंदी को एक लाइन में खड़ो के कंडेम नहीं कर सकता और मजे लेते हैं इस बात के कि उनका चैनल बंद हो गया केबल वालों को दिखाने की इजाजत नहीं है कंटोनमेंट में इनका चैनल नहीं आता या नंबर वन पे था तो नाइनटी नाइन फेंक दिया टी की लिस्टिंग में सबसे पहले या आठ नंबर या आठ नंबर से फलाना एंकर हट गया वहां से फलाना एंकर हट गया जब आपने इन चीज़ों के मजे ले तो क्या सहाफत है आपकी कोई सहाफत नहीं रह गई तो इसलिए मुझे बताइए ना कि पाकिस्तान का वो कौन सा नामवर साफी नहीं है जिसने अब अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल लिया सब ने सब ने खोल दिया ना क्यों खोल लिया चूंकि उनको पता है कि वहां जो एडिटोरियल पॉलिसी है कम्पलीटली कॉम्प्रोमाइज है मैं ये नहीं कह रहा कि जिन्होंने यूट्यूब खोला उसे सच बोलते हैं बट क्लियरली उनको ये पता है कि दे आर सो मैनी दे नॉट अलाउड टू से ऑन टेलीविजन मीडिया देखिए ये जो है ना भाई जो मेरा इंती निशान भी है माइक ये अमानत है आपने मुझे बिठा दिया है ये मेरे सामने कर दिया है मुल्क में चौबीस करोड़ लोग हैं ठीक है थीके? असद आपने चौबीस करोड़ के अंदर आज इंतखाब किया कि यह कैमरे लगा के स्टूडियो के अंदर अच्छी लाइटें लगा के फिर से इस्तेमाल करके ये माइक में रखूंगा मोहम्मद जबरान नासर के सामने अब यह मानत है अब मैं सच बोलूँ या बकवास करूं के साथ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ मगर अपने लिए कर रहा हूँ किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा कि वो बकवास कर रहे हैं मेरी मर्जी ना मैं विंग करूं इशू को मैं घुमाता फिराता बात करूं मैं कोई जज्बाती बात करूँ मैं लफाजियत में आपको घुमा दूँ मैं कोई इमोशनल टॉपिक छेड़ दूँ मैं यहाँ से वहाँ आपको ले जाऊँ मैं गुमराह कर दूँ मैं फैक्ट्स जिनके बारे में आपको पता नहीं है मैं वो मिसेंट कर दूँ पॉडकास्ट के बाद आपको पता चले कि अरे ये तो यूँ नहीं था यूं था यह अमानत है इसी तरह सीट भी असम्बली की अमानत होती है एवरी टाइम आई एम सिटिंग ऑन एनी मीडिया चैनल वो कितना काट के मेरे अक्सर होते हैं जब भी आप मेरा कोई इंटरव्यू क्लिप देखेंगे ना आप देखेंगे चलते हुए इंटरव्यू के अंदर यूं करके एक स्लाइड्स आती हैं यूं करके है। जो कि उड़ा दिया मेरा पूरा एक मिनट बीच में से उड़ा दिया मेरा दो मिनट मेरा रेगुलर हो गया अब तो कि मुझे रिकॉर्ड करेंगे तेरह मिनट चलाएंगे सात मिनट पांच पांच मिनट टंक उड़ा देते हैं पूरे तो चलता ही नहीं टेलीविजन के ऊपर तो मैं जब किसी कुर्सी पर बैठता हूँ यह अमानत है या तो मेरे सामने माइक ना करू कर दिया तो मैं सच बोलूंगा जितना मेरी अक्ल से मुझे पता है कि वो है दैट इज इट तो इसी हम इसी में ख़यानत कर देते हैं हम बात ही पूरी हकीकी नहीं पहुँचाते लोगों तक जो जिम्मेदारी आपने बिल्कुल उसको सही डिफ़ाइन किया कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है और रमानत में ख़ानत की सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त यही है कि हम एक सच्ची राय और अपना सच नहीं बता सकते किसी चीज़ के बारे में अब जो लोग बोलते हैं अपना सच उनके साथ जो जो होता है वो भी मिसाल बन जाता है वो भी लोगों को डिस और मैं इसमें देखें ना अगर लोगों को समझाने के लिए नॉट कि मैं उनको इमोशनली जज्बाती करने के लिए बट एनालॉजी के लिए रावी क्या है अहािस के अमीन है ना होने चाहिए जो इन्होंने सही बुखारी तरतीब सही मुस्लिम तरतीब दी वो तो उस वक्त हयात ही नहीं थे जब नबी पाक इस अर्ज के ऊपर एक फिजिकल फॉर्म में मौजूद थे लोगों से क्या कहते रू बरू थे तो वो तो कितने साल गुजरने के बाद आपने अमीन से पूछा कि तुमने ये बात सुनी थी फिर उसने कहा कि मैंने इससे सुनी थी फिर एक पूरी चेन आई ना वो अमीन अमानत के उसी में खयानत हो जाती और आप फिर हदीस उस... उसी तरह निकालते हैं ना।, ना तो ये तो अमानत है ना कि जब आपने किसी को चुन लिया भाई कि तुम रावी हो तुम बताओ, तुम बताओ कि क्या हुआ था तुम बताओ कि क्या हकीकत है तो उसने पूरी तरीके से आपको सच बताना है तो ये तो ट्रशन के अंदर भी है तो सेम थिंग जब आप किसी के सामने माइक कर देते हैं किसी को सीट दे देते हैं किसी को मनसब दे देते हैं किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवरेज करके टीजी चैनल पर लाइव कर देते हैं उसको उसमानत में खयानत नहीं करनी है ये इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन की क्या जिम्मेदारी है ये भी मैं आपको एक रिलीजियस परसपेक्ट से मैंने ना आपको नॉलेजी दे दी नहीं हम तो नहीं, फिर दुनियावी बातों की बात है आपने सही परसपेक्ट दिए और मेरा तो ख्याल है हर मुसलमान जो है दुनिया में पैमाना वही रखता है अपने लिए कि शरीत में क्या चीज़ है एक शॉट ऑफ क्या कहते हैं जब से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जो हमें फीडबैक आ रहा होता है ज़्यादा लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं मैसेज कर रहे होते हैं ये कोई सर्वे नहीं है कोई सेंसेस नहीं है लेकिन हमारा चैनल थोड़ा बेहतर होता जा रहा है वक्त के साथ साथ तो ये काफ़ी लोगों की राय है स्लोली स्टडी लोगों का जमूर के प्रोसेस से पूरा पूरा ट्रस्ट उठ गया है वो एक्चुअली जो बातें हमसे कर रहे होते हैं वो कहते हैं किसी तरह यहाँ पे एक मोनार्की टाइप शरीय का सिस्टम सेटअप हो जाए उनको इतनी अपने जो ये हमारी पूरी स्टैब्लिशमेंट है जिसमें बड़े कारोबारी सियासतदान ये सब लोग हैं आर्मी के कुछ लोग हैं जजेज हैं इनसे वो इतना दूर हट चुके हैं कि वो अब कॉल दे रहे हैं उस चीज़ की जो शायद एक आम आदमी या कोई आम रैशनल थिंकिंग वाला आदमी सोच नहीं सकता हम तैयार नहीं जी शरी निज़ाम के लिए हकीकत बताया तो ना आपको जिसको आप कह रहे हैं ना हम उस पैमाने के लिए थ्रेश के लिए मनीसल कॉम भी तैयार नहीं है हकीकत बात ही है और हमें लगता है कि ये मसले जो है ना दूसरी चीज़ों पर डाल देंगे या इस्लाम का झंडा लहरा देंगे तो मसले ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे वो बड़ा एक इम्तहान है हमने तो ख़ा नाम रख दिया अपना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान खिदमत कोई नहीं की हमने इस्लाम दीन इस्लाम की माजरत के साथ ये नाम रखने के बाद हमारे तवस्त से जितनी ख़बरें आती हैं इस्लाम को लेके वो अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल सतह के ऊपर मनफी ख़बरें होती हैं हम कोई अच्छा तो चेहरा नहीं दिखाते इस्लाम का दुनिया को जो हमें दिखाना चाहिए था जो फ़र्श था हमारा ख़ास तौर पर जब हमने मज़हब के नाम पर मुल्क का नाम रख दिया ये जो मनारकी की बातें करते हैं ना वो इस बात से मेरे ख़्याल में शायद मेरी राय है गलत भी हो सकती है यकीन कर बैठे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है नहीं एहत इस मुल्क में नहीं हो सकता लिख ले कभी नहीं होगा का निजाम भी आप नाफि करने की कोशिश करें तो नहीं होगा मगर एक चीज हो जाएगी मनार्की में सर्टिनटी सर्टिनटी जो है इस वक्त दैट इज़ द नीड जो लोग आपसे बात कर रहे हैं ना जो मायूस हो होकर जमहूत के, के निजाम से मायूस हो गए हैं वो इसलिए नहीं कि उस निजाम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो एक्चुअल जिस चीज को अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं वो सर्टिनटी है कि चीज तरतीब में चलती नहीं रहती हमें यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती हमें यह नहीं पता कि अगला पांच साल का दस साल का प्लान क्या है पांच साल के लिए हुकूमत वोट लेती है मगर हुकूमत को पता होता है कि आई तो क्योंकि तीन साल के पीरियड के ऊपर आके किसी का टेनवर चेंज हो रहा होगा किसी की एक्सटेंशन का सवाल हो जाएगा तो वहां पे तमाम शुरू हो जाएगी कि इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो या जोड़ तोड़ करो तो वो कैसे दस साल का कोई प्लान देगी हुकूमत जब इलेक्ट पांच साल होकर आई तीन साल के लिए है के 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 हो हो नहीं दे सकती ना तो ये जो तसलसल नहीं चलता इसकी वजह से सर्टेंटी नहीं है लोग इस वजह से भी जो है ना डिजेक्टेड फील करते हैं और लोगों को यह भी लग रहा है इस इलेक्शन में कि यार हम चलो वोट दे के अपनी मनपसंद पार्टी को जता देते हैं उसको चलने कौन देगा तो जिन्होंने फैसले करने हैं वो आ जाए ना खुल्लम खुल्ला सामने और बैठे जी कि हम ही निजाम बनाएंगे हम एक लॉन्ग लाइफ सेटअप लेके आ गए मसला क्या बताऊंग्चुनेटली पाकिस्तान की बदकिसमती ना हमें जमूरी कुतें वो मिली जो सौ फीसदी जमूरी थी ना हमें डिक्टेटर वो मिले जो भरपूर डिक्टेटर थे हम ना नहीं हमें हम इतने बदकस्मत हैं कि हमें डिक्टेटर भी मिला तो कोई कद्दाफी नहीं मिला कोई अमीन नहीं मिला हमें नहीं हमें डिक्टेटर भी वो बहुत मिला जिसको लगना डेमोक्रेटिक था शेरवानी पहन के डांस करना था फैशन शो के अंदर मॉडर्ट इनलाइटमेंट की बातें करनी थी लिबरल वैल्यूज़ की बातें करनी थी मीडिया को आम करना था मगर चलाना डंडा था लोगों को गायब भी करना था ठीक है हम हर वक्त ही एक कनकॉक्शन के अंदर ना एक कॉकटेल बना के चलते रहते हैं एक परवर्जन बना के चलते रहते हैं तो मैं इसको सटायर में कह रहा हूँ मैं ये सुन नहीं सुन कह रहा, रहा कि आए प्रे के हमारे पास कोई सद्दाम नाफिज हो जाए हमारे ऊपर या कोई ईदी अमीन आ जाए बट हम कोई भी काम प्रॉपर हंड्रेड परसेंट प्योरिटी से नहीं कर पाते हमारी जो राइट विंग पार्टीज हैं वो भी प्रॉपर इस्लाम के साथ इंसाफ़ नहीं कर पाती हमारे जो लिबरल प्रोग्रेसिवज हैं वो भी उस तरीके से, से जो है सेकुलर वैल्यूज के साथ इंसाफ नहीं कर पाते हाँ जी ठीक है तो हम हर लिहाज से घूम फिर के थोड़े बहुत सेंटर्स हो जाते थोड़ा यहाँ से ले लो थोड़ा वहाँ से ले लो हमारी सकाफत भी वही है ना रंग नसल जो है हमने भारत से लिया है लेकिन लीडर हमें सारे चाहिए टर्की तो 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 से सेंट्रल एशिया से, से, से। तारीख़ हमें वहाँ की चाहिए वजूद हमारा इस मट्टी का है हम इस मट्टी के भगत सिंह को नहीं तस्लीम कर सकते नाम तस्लीम करना चाहते हैं हमें भगत सिंह से ज़्यादा अच्छा लगता है कोई गौरी कोई तग्लक तो आया था वहाँ से मार तोड़ के चला गया था तो जो हम में से पैदा हुए हमको तो हम अपना हिरो तकनी मानने को तस्लीम करते हम इतने कन्फ्यूजन का शिकार हैं वो लोग कहते हैं ना कि पैदा हमने इधर होना है ज़िंदगी हमने अमेरिका में गुजारनी है इलाज हमने इंग्लैंड में कराना है जाके हमने मक्के मरना है दफन हमने मदीना में होना है ये इसी में ये पाकिस्तान है बेसिकली जी बान भाई ये आखिरी जो एक्स क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन है जो हर पोलिटिकल कैंडिडेट को अपने टनर में जाना पड़ता है आपका ये तीसरा इलेक्शन है और ये जिन्ह सवाल है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका जरूर जवाब दें बिकॉज आपका दे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है आपके पास इतनी बड़ी वर्किंग मशीन नहीं है पहले इस एलेक्शन से लेके अभी तक क्या चेंजेस आपने फ़ील किए अपने अंदर और वोटर के अंदर यार अ, मेरे अपने अगर मैं वोटर की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि विथ टाइम लोग जो है अ, मेरा मुस्किल काम देख देख के ज़्यादा एग्री हुए हैं मेरे एजेंडा से मेरी कारदगी से आई बीन एबल टू बिल्ड दैट सी फी एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन एक्चुअल वर्क मैंने तो ये कहा ना कि मुझे जीतने के लिए अगर पाँच छः इलेक्शन भी लग जाएँ बट काम आप वो करें जो फिर देर पा हो अगर मैं आज जज्बात के ऊपर या किसी पार्टी की वेव चल रही है तो उसका टिकट लेके इलेक्शन ताकि लोग कहते हैं यार तुम तो एक बार एम तो बन जा एम तो बन जा फुल ब्लोन पॉलिटिकल करियर हो जाएगा फुल ब्लोन पॉलिटिकल करियर हो जाएगा मैंने कहा फिर तुम मुझे उन्हीं अलकाबाद से नवाजोगे जिनसे तुम फुल ब्लोन पॉलिटिकल करियर वालों को कर नवाजते हो ना अभी मुझसे इज्जत से बात कर रहे हो वो इज्जत खोदोगे लोगों का मसला है कि वो इम्पेश है मेरा मसला नहीं है ओके okay. ठीक है मेरा ये तीसरा इलेक्शन है मैं चौथे और पांचवे छठे के लिए भी तैयार हूँ मैंने अभी दस साल दे दी है इस काम में मैं अगले दस साल और दूंगा इस काम तो में हर वाले नहीं कहते कि बस कर एज 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 लॉन्ग लॉन्ग आई आई एम एम पेइंग द बिल्स टेकिंग केयर ऑफ यूटिलिटीज एंड मेरा भी अपना शौक है मैं क्या करूँ कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि वो टाइम ऑफ लेके की छुट्टियाँ बनाने चले जाते हैं दे स्पेंड मनी ऑन देर ओन लिटल थिंग्स वो उनका ग्रेटिफिकेशन उनका शौक है मुझे ये काम में जहनी तौर पर मैं इंगेज होता हूँ मुझे इतमे मिलता है आप यकी तौर पर लोग ये बात कहते हैं यार कि आप इलेक्शन के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं वैसे आप नज़र नहीं आते जबकि बहुत गलत बात है मैं पूरा साल और हर वक्त ही ये काम कर रहा होता हूँ मैं सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होता हूँ दो लफ्ज़ हल्का और वोट बाकी पाँच साल मैं हल्का नहीं कह रहा होता मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा होता हूँ और मैं जो काम कर रहा होता हूँ उसका मैं ये नहीं कह रहा था मुझे वोट देते हुए याद रखिएगा मैं वही अगामी खदमत काम कर रहा होता हूँ मैं वही शौर की बेदारी का काम कर रहा होता हूँ मैं वही ट्रांसपेरेंसी और वही अकाउंटेबिलिटी और वही ट्रुट टू पावर की बात कर रहा होता हूँ सिर्फ ये होता है कि इलेक्शन के तीस पंद्रह पैंतीस पेंदर दिनों में आपको हल्का और वोट डोला इस्तेमाल करने होते हैं तो को लगता है कि आपका समाजी काम सियासी हो गया मेरे नज़दीक हर समाजी काम सियासी है बिकॉज समाजियत क्या है आपकी फ्रीडम्स और फ्रीडम्स कहाँ से आती हैं सियासत से सियासत डिटर्मिन कर रही है कि आपको कितनी सहूलतें और कितनी फ्रीडम्स मिली हुई हैं और वो सहूलतें और वो फ्रीडम्स आपकी सोशल लाइफ डिक्टेट करती हैं। आपको लाहौर से कराची आने की इजाजत है you may say that my travel from no, घर से निकलने की इजाजत है तो कर रहे हो ना एक सौ चौवालीस लगा दो कर्फ्यू लगा दो फिर तो समाज इतनी खत्म हो गई ना पॉलिटिक्स के साथ so, मैं तो सोशल और पॉलिटिकल में फर्क ही नहीं करता तो शायद वोकेबलरी के लिए अंग्रेजी में भरने के लिए आपने दोनों इस्तेमाल कर दिया और नुकसान कर दिया सोशो पॉलिटिकल अरे वॉट इज सोशो पॉलिटिकल एवरी पॉलिटिकल अगर मेरी आमदो रफ्त अगर मेरी तिजारत, अगर मेरा बोलना आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ पढ़िए ना जो आर्टिकल एट से लेके आर्टिकल अट्ठाईस के अंदर दिए हुए हैं उसी के अंदर आपको मिलेगा यही तो सोशल लाइफ है ड्यू प्रोसेस लिबर्टी डिग्निटी प्राइवेसी ट्रेड मूवमेंट एसोसिएशन इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन रिलीजन स्कूल एजुकेशन इक्वालिटी ये तो सोशल चीजें हैं मगर ये पॉलिटिकल चीजें हैं ये तो तरतीब में गिनवा दी मैंने आपको सारे हकूक अच्छा इस सरतीब के अंदर भी कोई आपको नहीं गिनवा पाएगा बुला जगह कराची किसी एम पी एम एन ए के कैंडिडेट को बहुत लोगों को शौक़ है यहाँ पर नुमाइंदगी करने का और प्रजेंट करने का और जज्बाती बातें करके हर जगह कैमरे के सामने नजर आने का ठीक है हमारी भी दोस्त साहब आप कहते हैं कि यार तुम भी ज़रा ये किया करो <laughs> बट मुझे लगता है अगर मैंने ये करना शुरू किया ना ये आदत इतनी बुरी है कि मैं इसमें अपना आप खो दूँगा सो लाइक एयर सेट स्लो एंड स्टडी जाएंगे जल्दबाजी और शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है कि यू ऊपर जाते हैं और तीन साल में डियाला राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आ, कोई चीज कही हो जो आपको अच्छी ना लगी उसके लिए मैं बाद खाऊ नहीं गया? वो तो मैं जो आपसे कहना चाहिए कोई चीज मैंने कही हो जो आपको अच्छी ना लगी हो तो मैं आपके तमाम सुनने वालों से माजरत चाहूंगा मगर कि उनको बुरा लगा बट जो मैंने कहा मैं उस पर कायम हूँ जनावक